तो वेलकम बैक एवरी वन और अब हम शुरुआत करते हैं करेंसी आर्बिट्राज विथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा आइए सर देखते हैं ये देखो पहला क्वेश्चन जानबूझ के हम सिंपल सा ले रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दे सके और क्वेश्चन uh, की पूरी तरह से मदद ले सकते हैं अब स्पॉट रेट आपको दिया हुआ इस क्वेश्चन में देखिए फोर्टी एट पॉइंट ज़ीरो वन टू थ्री ये क्या है रुपीज़ पर डॉलर का रेट है ठीक है तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि हमारी बेस करेंसी कौन सी है सर वो है डॉलर ठीक है वन एटी डेज़ का आपको फॉरवर्ड रेट भी दिया हुआ है फोर्टी एट पॉइंट एट वन नाइन जीरो यहाँ पर भी हमारी बेस करेंसी क्या है डॉलर चलो बहुत बढ़िया अब आप देख सकते हो एन्युलाइज इंटरेस्ट रेट छः महीने का आपको दिया है ट्वेल्व परसेंट वो भी किस में रुपी में यानी कि ये इंडिया का हो गया ये अमेरिका का हो गया एट परसेंट बट ये है एनुअलाइज तो हमें चाहिए सिर्फ छः महीने के लिए क्योंकि ये कहानी सिर्फ छः महीने की है तो छः महीने के लिए ये रेट हो गया सिक्स परसेंट और ये रेट हो गया फोर परसेंट ठीक है क्या कोई आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है इफ़ यस yes, अगर करती है तो आर्बिट्रेजर किस तरीके से इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है अगर वो चालीस लाख रुपए बोरो कर सकता है अगर रुपीज़ में बोरो करना है तो और अगर डॉलर में बोरो करना है तो वो एटी थ्री थ्री वन टू डॉलर्स भी बोरो कर सकता है आप ये बताओ कि क्या उसने कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज लेना चाहिए अगर उसको लग रहा है कि छः महीने बाद मार्केट में स्पॉट रेट खुद इस तरीके से होंगे तो ये स्पॉट रेट को एक रेट में कन्वर्ट करना है तो आप तो सीधा प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक रेट पे आ सकते हैं चलो इसकी बात हम बाद में करेंगे पहले तो बात आती है सर आर्बिट्राज की क्या आर्बिट्राज पॉसिबल है देखो आर्बिट्राज पॉसिबल है कि नहीं है ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी बताएगी ठीक है पहले तो इसके लिए हमें इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी पे जाना पड़ेगा मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया था इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी में अगर आपको याद होगा तो ये इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी में अगर आपकी जो ये जो कैश फ्लोज है ठीक है एक कंट्री से बोरो करके दूसरे कंट्री में यह इन्वेस्टमेंट शुरू था उसमें कुछ गेन आ रहा था आखिरी में ये वही गेन है ये जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिया था ना उस टाइम पे, यह आर्बिट्राज ही था अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मुझे कैसे पता चला कि डॉलर ही बोरो करना है पहले जब रेट फॉरवर्ड रेट आपको फिफ्टी दिया था और जब जैसे ही मैंने रेट 54 करने बोला आपको मैंने यहाँ पे बोरो कर लिया था रुपए तो पहली बात यही आती है और यही हमारा मेन पर्पज़ है कैसे पता चलता है कौन सी करेंसी में कब बोरो करना है और फिर इन्वेस्ट दूसरी करेंसी में करना है एग्जैक्टली exactly. तो सबसे पहली चीज़ ये समझो कि आर्बिट्राज कब पॉसिबल नहीं होता आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं होता जहाँ पे फॉरवर्ड रेट हमारा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को मैच कर जाता है इसका मतलब क्या है देखो ये इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल होना चाहिए फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट के यानी कोई भी करेंसी ले लो उसमें आप फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट निकालो तो एक वैल्यू इधर आ जाएगी और इंटरेस्ट रेट के बीच डिफरेंस निकालो ये दोनों अगर मैच करते हैं तो आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं है और अगर नहीं करते मैच तो आर्बिट्राज पॉसिबल है ठीक है इसका मतलब मैं उसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा यहाँ से आपको क्या करना है कि करेंसी में फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट निकालना है ठीक है आपने निकाल लिया अब देखो कि वो मैच कर रहा है क्या इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से ठीक है तो दो चीज होगी अब आपकी यहां पे या तो वो मैच करेगा या तो वो मैच नहीं करेगा ठीक है ये दो चीज होगी अगर वो मैच कर गया तो हम क्लियर क्लियर बोल देंगे नो आर्बिट्राज एग्जिस्ट या आर्बिट्राज डज नॉट एग्जिस्ट आर्बिट्राज इज नॉट पॉसिबल ठीक है पर अगर नहीं करा तो हम यहां बोल देंगे आर्बिट्राज पॉसिबल ठीक है अब अगर आर्बिट्राज पॉसिबल है तो करना क्या है ट्रांजैक्शन यह है मुद्दा तो हम इस क्वेश्चन में भी देख लेते हैं सबसे पहले आप एक काम करो इन दोनों के बीच में प्रीमियम निकाल लो ये दिख रहा है ना जीरो वन टू थ्री से रेट एट वन नाइन हो गया यानी कि बेस करेंसी प्रीमियम पे रेट बढ़ा तो तो हम बेस करेंसी का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं फॉरवर्ड माइनस स्पॉट बाय स्पॉट इनटू हंड्रेड ये छः महीने के लिए निकालेंगे इसलिए ट्वेल्व बाय एन नहीं कर रहा मैं इसमें तो फोर्टी एट पॉइंट एट वन नाइन ज़ीरो फोर्टी एट पॉइंट ज़ीरो वन टू थ्री डिवाइडेड बाय फोर्टी एट पॉइंट ज़ीरो वन टू थ्री इनटू आप हंड्रेड कर देना तो आपका प्रीमियम या डिस्काउंट प्रीमियम है वो पता चल जाएगा तो वो आता है कुछ 1.68 परसेंट ठीक है तो इन दोनों के बीच का प्रीमियम कितना आया 1.68 परसेंट ठीक है अब आप एक काम करो इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस निकाल लो क्योंकि छः महीने का है वो प्रीमियम डिस्काउंट तो इंटरेस्ट रेट भी छः महीने के ही लेने हैं वो आता है सर आपका सिक्स माइनस फोर दो परसेंट अब आप देखो क्या वन पॉइंट सिक्स एट परसेंट दो परसेंट से मैच करता है ऐसे निकालना है कि जो रेट्स है उनके बीच में जो प्रीमियम डिस्काउंट था क्या इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस से मैच करता है अगर करता है तो आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं और अगर नहीं करता है तो आर्बिट्राज पॉसिबल है और इस केस में आर्बिट्राज पॉसिबल है यह तो क्लियर हो गया अब आती है बारी कि आर्बिट्राज में बोरो कौन सी करेंसी करना है और इन्वेस्ट कौन सी करेंसी करना है ठीक है इसके दो तरीके से आप देख सकते हो आंसर्स को आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी करेंसी उठाना चाहते हैं आप लो इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी उठा लो या फिर आप हाई इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी उठा लो ठीक है आप यह बताओ लो इंटरेस्ट रेट का फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ता है फर्स्ट इंप्रेशन सर फर्स्ट इम्प्रेशन तो यही पड़ता है कि भैया रेट अगर कम है तो बोरो कर लो फर्स्ट इम्प्रेशन तो बोरो का ही पड़ता है ना कि कम रेट अगर मिल रहे हैं तो बोरो कर लो ज़्यादा रेट है तो अगर इन्वेस्ट कर दो मेरा भी आपको यही कहना है अगर रेट कम है तो बोरो कर लो रेट ज़्यादा है तो इन्वेस्ट कर लो सर इतना ही आसान है तो ये सब करने की क्या जरूरत है ये ऊपर जो झंझट बताई हमको तो देख के समझ में आ जाता है कि, कि किसका रेट कम है किसका रेट ज़्यादा है अगर यू डॉलर का रेट कम है तो हम डॉलर में बोरो कर लेते हैं ऐसी बात नहीं है एक्चुअल में आंसर इसमें बोरो इसमें बोरो और इन्वेस्ट का भी आ सकता है इसमें इन्वेस्ट और बोरो का भी आ सकता है अब आप बात को ध्यान से समझो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी बोलती है कि जितना भी आपका प्रीमियम या डिस्काउंट आया है वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से मैच करना चाहिए और अगर नहीं मैच कर रहा है तो हाई इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगी और लो इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी जो है वो एप्रीशिएट होना शुरू हो जाएगी तो डॉलर एप्रीशिएट होना शुरू होगा तो हो यहाँ से क्योंकि वो लो इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी है ठीक है और रुपी डेप्रीशिएट होना शुरू होगा क्वेश्चन ये अगला ये आता है कि कब तक ये रू एप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन इनमें चलता जाएगा सिंपल है सर जब तक जैसे अभी लो इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी को डॉलर को पकड़ो डॉलर हम क्या बोल रहे हैं लो इंटरेस्ट रेट है इसलिए एप्रीशिएट होगा कब तक जब तक ये जो 1.68 परसेंट है ये 2 परसेंट तक नहीं पहुंच जाता प्रीमियम पे तो है अभी भी प्रीमियम और बढ़ना चाहिए ये और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा कब तक बढ़ेगा जब तक यह इसके बराबर नहीं आ जाता और जब तक वह उसके बराबर नहीं आ जाता तब तक आपका फर्स्ट इंप्रेशन फॉलो करो फर्स्ट इंप्रेशन बोलता है लो इंटरेस्ट रेट पे बोरो करने का करो पर अगर प्रीमियम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को क्रॉस कर गया मान लो तीन परसेंट हो गया थ्री परसेंट तो प्रीमियम पे तो होनी चाहिए लो इंटरेस्ट रेट करेंसी लेकिन इतनी ही होनी चाहिए थी ना ज्यादा हो गई तो अब आप उसमें इन्वेस्ट कर दो अब आप एग्जैक्टली exactly अपोजिट करो जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है उसका इन्वेस्ट करो तो कमाओगे पहले बोरो करते तो कमाते अब इन्वेस्ट करोगे तो कमाओगे अब मैं देखो क्या करके दे रहा हूं आपको एक टाइम बना के दे रहा हूं ठीक है ये रही टाइम ये है माइनस वाली साइड ये प्लस वाली साइड आप बोलो ये प्रीमियम वाली साइड या डिस्काउंट वाली साइड हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि भैया डॉलर जो है डॉलर लो इंटरेस्ट रेट की करेंसी है और वो प्रीमियम पे होना चाहिए कितना प्रीमियम पे होना चाहिए जितना इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस चला रहा है तो दो परसेंट लेट से सेंटर में आता है जीरो इसके इधर पॉजिटिव फिगर चालू होती है इसके इधर नेगेटिव फिगर शुरू होती है हमारे हमको कितना चाहिए प्रीमियम चाहिए यानी पॉजिटिव साइड में वो भी दो परसेंट यानी ये रहा अब आप ध्यान देना मैं आपको यही कह रहा हूँ जब तक डॉलर का प्रीमियम इतना नहीं हो जाता तब तक मैं उसका फर्स्ट इंप्रेशन फॉलो करूंगा यानी कि बोरो यानी आप देखो बोरो के लिए ये पूरा फेज़ है ये पूरा फेज़ बोरो का है अब हमारे अभी वाले क्वेश्चन में जो प्रीमियम चल रहा है ना वो है 1.68 परसेंट का यहाँ पे है एक्चुअल में 1.68 परसेंट तो जब तक और थोड़ा आगे नहीं बढ़ जाता तब तक मैं इस करेंसी में बोरो कर सकता हूँ और मुझे फ़ायदा होगा तो अब आप ध्यान देना अब अगर आप बोलते हो ना कि स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट चेंज नहीं हुए यानी कि फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट कितना आएगा जीरो अगर स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट चेंज होते ही नहीं हैं तो ज़ीरो आएगा तो भी बोरो करो अगर गलती से लो इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी डिस्काउंट पे निकल गई तब तो डिस्काउंट कितना भी हो जाए बोरो ही करना है बोरो तब तक करोगे जब तक प्रीमियम उसका लो इंटरेस्ट रेट का प्रीमियम लो इंटरेस्ट रेट प्रीमियम पे नहीं आ जाता जितना इंटरेस्ट रेट में डिफरेंशियल है उतना हाँ एक बार इसको भी अगर क्रॉस कर गया ये वाला जो फेज है वहां पे अगर प्रीमियम आ गया तो इसी करेंसी में आपको इन्वेस्ट करना है आर्बिट्राज गेन के लिए तो आर्बिट्राज गेन तभी पॉसिबल है जब आप इस टाइमलाइन को फॉलो करें तो एक चीज मैं यहां पे लिख के दे देता हूं बोरो इन लो इंटरेस्ट रेट करेंसी टिल प्रीमियम इन दैट करंसी इज इक्वल्स इक्वल्स बोलो या लेस देन बोलो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बियॉन्ड दिस या फिर प्रॉपर अगर सेंटेंस में लिखना चाहे नहीं, 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 नहीं। अब इसको आप थोड़ा और भी मतलब एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो सिंबॉलिक फॉर्मेट में अगर लिखना चाहते हो तो वो भी हो सकता है मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ बोरो करना है आपको लो इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी ठीक है जब तक उसके अंदर का प्रीमियम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जितना आ नहीं जाता और एक बार आ गया तब तक तब तो आप कुछ भी कर लो कोई फ़ायदा नहीं है ये बताऊंगा मैं और अगर एक बार प्रीमियम एक्सीड कर गया आईआरडी को तब आपको उसमें इन्वेस्ट करना है यानी अगर आप ऐसे करना जाओ तो सबसे पहले तो ये देखो कि वो लो इंटरेस्ट रेट करेंसी है क्या अगर है तो आप इसमें बोरो करोगे या फिर आप देख लो कि तीन चीज़ें बताता हूँ पहली बात तो प्रीमियम पे होना चाहिए सबसे पहले तो वो डिस्काउंट पे रही तो भी आप बोरो करोगे डिस्काउंट आया वो टाइम देखना क्या होता है डिस्काउंट पर रही ज़ीरो आया ठीक है और अगर आपका प्रीमियम पे आ गया पर अगर प्रीमियम लेस देन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है तो भी बोरो करोगे और अगर प्रीमियम इक्वल टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है तो यहाँ पे नो no आर्बिट्राज की सिचुएशन आ जाएगी और अगर प्रीमियम इज़ ग्रेटर दैन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है तो अब आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे देख रहे हो आप इधर से आ रहे हो तो डिस्काउंट आएगा डिस्काउंट ज़ीरो और तब तक आप बोरो करोगे फिर प्रीमियम है लेकिन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से कम है तो भी बोरो करोगे फिर बराबर आया तो कोई आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं और उसको एक्सीड कर गया तो फिर आप इन्वेस्ट करोगे इनफैक्ट मैं आपको ये सब तो छोड़ो एक बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मेट दे ही देता हूँ जिससे आपकी कहानी सॉर्ट आउट हो जाएगी ये देखो ये पूरा चार्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है तो जब चार्ट बनाया सर तो पहले ही बता देते ठीक है ना थोड़ा सा लिख के जो समझ में आता है वो इतना आसानी से नहीं समझ आता सर हाँ तो देखो ये रहा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल अगर फॉरवर्ड प्रीमियम डिस्काउंट के बराबर में है तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती और अगर बराबर में नहीं है तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है अब इसके बाद में आप आ जाओ इधर में क्या है बोरो करना है लो इंटरेस्ट रेट करेंसी में बोरो hmm. करना है आपको अरे ये तो कुछ होगा ही नहीं इससे बोरो करना है लो इंटरेस्ट रेट करेंसी में जब तक उसके अंदर का प्रीमियम करेंसी प्रीमियम आईआरडी जितना नहीं आ जाता देखो तो ये है वो फीस अगर डिस्काउंट में है तो बात ही खत्म हो गई क्योंकि ये तो प्रीमियम पे होना चाहिए था डिस्काउंट अपोजिट है तो बोरो ही करेंगे फिर डिस्काउंट कटा 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 आगे आए प्रीमियम पर इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से कम है तो भी बोरो करेंगे बराबर आया अब जाके थोड़ा और बढ़ा तो बराबर आया पर अब यहां पे आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं है और अब बढ़ गया तो इन्वेस्ट कर दो यह है टाइम सबसे बढ़िया तो टाइम से समझ में आता है कुछ याद करने की जरूरत नहीं है ठीक है ये देख लो आपका लो इंटरेस्ट रेट करेंसी है तो प्रीमियम के साइड होनी चाहिए लो इंटरेस्ट रेट करेंसी है तो प्रीमियम के साइड होनी चाहिए पहला रूल और वो कितना होना चाहिए इतना होना चाहिए जितना इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है तो इसके इधर जितना भी रहेगा भले ये वो डिस्काउंट में भी रहे या प्रीमियम में भी है लेकिन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से कम है जैसे कि अभी वाले केस में यहाँ पे 1.68 पॉइंट सिक्स एट ये वन अगर यहाँ पे है तो भी ग्रीन लाइन में आ रहा है यानी कि हम बोरो करेंगे इस करेंसी में और जब एक बार उसके बराबर आ गया इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के तो कोई आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं और उसको अगर क्रॉस कर गया तो हम उसे इन्वेस्टमेंट करेंगे सिंपल सी बात है क्योंकि थेरी क्या बोलती है लो इंटरेस्ट रेट करेंसी शुड बी एट अ प्रीमियम इक्वल टू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल तो जब तक वहां नहीं पहुंच जाते तब तक फर्स्ट इंप्रेशन फॉलो करेंगे उसके बाद एग्जैक्ट अपोजिट अब हाई हाई इंटरेस्ट रेट करेंसी में आ जाओ हम क्या बोलते हैं हाई इंटरेस्ट रेट करेंसी डिप्रिशिएट होनी चाहिए तो कहानी वापस वही है जब तक हाई इंटरेस्ट रेट करेंसी डिस्काउंट पे नहीं आ जाती अब डिस्काउंट इधर आता है डिस्काउंट पे।, तो हाँ पे नहीं आ जाती जितना रेट है क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट करेंसी तो डिस्काउंट के साइड में आनी चाहिए डिस्काउंट और मान लो अगर वो डिस्काउंट दो परसेंट होना चाहिए और अभी है अभी तो खैर प्रीमियम है वन पॉइंट सिक्स एट परसेंट अच्छा डिस्काउंट हमने निकाला नहीं ना रुपीज में चलो जाने तो तो जब तक डिस्काउंट दो परसेंट तक नहीं पहुंच जाता तब तक आप उसमें फर्स्ट इंप्रेशन फॉलो कर सकते हैं। हाई इंटरेस्ट रेट का फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है सर इन्वेस्ट हाई इंटरेस्ट रेट कोई भी ज्यादा रेट पे इन्वेस्ट ही करना चाहता है पर अगर एक बार उसका डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल को भी क्रॉस कर गया तो हम उसमें बोरो करना शुरू कर देंगे ये देखो हम बोरो करना शुरू कर देंगे बस थोड़ा प्रैक्टिस के साथ साथ आपको आएगा ये चीज़ आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगी आप टेलीग्राम चैनल में जाके इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एक बार सर्च करना वहाँ पे आपको क्लियर दिख जाएगा ये वाला पीडीएफ और या इमेज भी होगा तो इमेज दिख जाएगा ठीक है सर अब आते हैं हम इस वाले क्वेश्चन पे जो हम क्वेश्चन देख रहे थे अब आप देखो यहाँ पर हम कोई भी एक रेट पकड़ लो हाई रेट पकड़ लो लो रेट पकड़ लो दोनों से आंसर सेम आएगा हम लो रेट पकड़ते हैं लो इंटरेस्ट रेट है यानी कि डॉलर डॉलर की बात कर रहे हैं हम डॉलर प्रीमियम पे होना चाहिए वो भी कितना दो परसेंट जितना और जब तक वो प्रीमियम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जितना नहीं पहुंच जाता तब तक हम फर्स्ट इंप्रेशन फॉलो करेंगे जो कि लो रेट का आता है बोरो और इस केस में आएगा बोरो क्योंकि वन अभी भी दो तक नहीं पहुँचा तो हम करेंगे डॉलर को बोरो अब आर्बिट्राज कैसे होएगा ध्यान देना डॉलर को बोरो करेंगे तब आर्बिट्राज होगा तो अब आप आठ परसेंट पर एट परसेंट पर डॉलर को बोरो करके इंडिया लेके आओ इंडिया लेके आओगे ले आओ उस डॉलर को बेच दो बेच के रुपीज़ आ जाएंगे रुपीज़ को ट्वेल्व परसेंट पर इन्वेस्ट कर दो और साथ साथ में ये फॉरवर्ड रेट ले लो आपको छः महीने बाद रुपीज़ इन्वेस्ट में इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएंगे उस पैसे से आप डॉलर खरीद लो और जो री बोरो किया था वो रीपेमेंट कर दो फिर भी कुछ डॉलर्स का प्रॉफिट आपके पास पड़ा रहेगा ध्यान देना ये देखो ये तो खैर इन्होंने ये निकाला इंटरेस्ट रेट रही है ये तो हम भी निकाल सकते हैं ये बोरो डॉलर ठीक है डॉलर डॉलर को बोरो किया अब लिखना कैसे है ये भी बताता हूँ मैं ऐसे केस में प्रीमियम इन लो इंटरेस्ट रेट करेंसी इज लोअर दैन इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इसलिए हम फर्स्ट इम्प्रेशन फॉलो कर सकते हैं जो कि आता है बोरो डॉलर ठीक है अब देखो आर्बिट्राज के ट्रांजैक्शन टाइम ज़ीरो पे पहला एक्शन लिया मैंने बोरो किया डॉलर को उन्होंने बोला था एट्टी थ्री थ्री वन टू स्पेसिफिक अमाउंट दी थी उसके अलावा कोई और बोरो नहीं करना गलत हो जाएगा आंसर ठीक है लाया बोरो करके अमेरिका से लाया आप ज़रा वो इमेजिनेशन को यूज़ करो इंडिया लाके क्या करोगे बेच दो सेल एट स्पॉट डॉलर तो एट्टी थ्री थ्री वन टू मल्टीप्लाइड बाय डॉलर बेच जी दिए डॉलर गया कितना रेट हुआ फोर्टी एट पॉइंट ज़ीरो वन टू थ्री सही बात है ना फोर्टी एट पॉइंट जीरो वन टू थ्री ठीक है करो टोटल एग्जैक्ट उन्होंने निकाल के ही वैसे दिया था चालीस लाख अब क्या करोगे रुपीस का सीधा दूसरी करेंसी इन्वेस्ट आ गई देखो बोरो डॉलर इन्वेस्ट रुपीस तो ये आपने इन्वेस्ट कर दिया गया ज़ीरो अगर नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा ना इसको प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर देता हूँ ताकि गड़बड़ ना रहे यार तो ये आया था ये गया आया गया सब दिखा देंगे और उसके बदले में हमको 40 लैक्स मिले और उसको हमने कर दिया इन्वेस्ट तो ये भी हमारे हाथ से चले गए फॉर द टाइम बिंग तो नेट में कितना बचा ज़ीरो अब इन्हीं सारी पोजीशन को हमें कंफर्म और क्लोज करना है अच्छा इसके साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ले लो फॉरवर्ड बाय अब आप बोलोगे सर बाय क्यों लिया सेल क्यों नहीं लिया बहुत सिंपल है ठीक छः महीने बाद मुझे मालूम है कि रुपीस वापस आ जाएंगे मुझे इंटरेस्ट के साथ और मुझे रीपेमेंट तो करना ही है ना जो बोरो डॉलर बोरो करा था उसके लिए डॉलर वापस खरीदने पड़ेंगे इसलिए खरीदने का रेट लिया मैंने फॉरवर्ड आफ्टर सिक्स मंथ्स जस्ट क्लोज एवरी ओपन ट्रांजेक्शन सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट के प्रोसीड मिल जाएंगे इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स तो 40 लाख ,00 पे 6 परसेंट फोर्टी टू लैख फोर्टी थाउजेंड बारह परसेंट था 12 परसेंट था आपका साल भर का 6 परसेंट हो गए आपके छः महीने के तो 42 टू लैक्स फोर्टी थाउजेंड आपको मिल गए उसके बाद में फॉरवर्ड आपका सेटल हो जाएगा सेटल कैसे होगा सर ऐसे थोड़ी सेटल होता है आप ये पैसे दे दो 42 टू लैक्स एक काम करो फॉरवर्ड सेटल में आप यहाँ पे पहले तो कैलकुलेट कर लो कि रीपेमेंट कितना लग रहा है और उतने ही डॉलर खरीदो ना जबरदस्ती सारे पैसे क्यों देने आपने रीपेमेंट तो एट्टी थ्री थ्री वन टू डॉलर्स आपने बोरो किए थे वन पॉइंट ज़ीरो क्या रेट था फोर के रेट से मतलब एट के रेट से तो मैं वन पॉइंट ज़ीरो फोर से मल्टीप्लाई करूँगा क्यों क्योंकि छः महीने तक के लिए चार परसेंट रेट बनता है तो एट्टी थ्री थ्री वन टू मल्टीप्लाइड बाई वन पॉइंट जीरो फोर अगर आप करते हो तो आपके जो पैसे जाने हैं वो है सिर्फ एट्टी सिक्स सिक्स फोर्टी फोर तो आपको ये पता था ज़ीरो टाइम पे कि इतना मेरा आउटफ्लो होगा सॉरी हाँ ये डॉलर है तो ये आपका रीपेमेंट करना पड़ेगा आपको इसके लिए आपको उतने डॉलर ख़रीदना भी तो पड़ेगा कितना एट्टी सिक्स सिक्स फोर्टी फोर और आप ये ख़रीदोगे एट्टी सिक्स सिक्स फोर्टी फ़ोर मल्टीप्लाइड बाई जो भी फॉरवर्ड रेट आपके बीच में एग्री हुआ था फोर्टी एट पॉइंट एट वन नाइन ज़ीरो ठीक है तो एट्टी सिक्स सिक्स फोर्टी फोर इंटू फोर्टी एट पॉइंट एट वन नाइन ज़ीरो उसके लिए आपको पैसा कितना देना पड़ रहा है फोर्टी टू लैक्स ट्वेंटी नाइन थाउजेंड एट सेवेंटी थ्री बस ख़त्म देखना डॉलर डॉलर तो कैंसिल हो गया एग्जैक्ट सेम अमाउंट है पर रुपीस में फ़र्क आ रहा है आपके वो आ रहा है तकरीबन टेन थाउजेंड वन ट्वेंटी सिक्स या सेवन रुपीस का ये हो गया आपका गेन इसे कहते हैं सर आर्बिट्राज गेन।, गेन ही आएगा अगर गेन नहीं आया यानी आपने कहीं ना कहीं गलती करी है ये डिसाइड करने में कि कौन सी करेंसी बोरो या कौन सी करेंसी डिपॉजिट करनी चाहिए अच्छा एक चीज़ और समझो आप इस ट्रांजेक्शन की तरफ ध्यान दो जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये क्या किया मैंने और क्यों किया मैंने बोरो किया डॉलर और मैंने सेल कर दिया उसी दिन और जो रुपीज़ आए मैंने इन्वेस्ट कर दिया ठीक है मुझे पता था कि छः महीने बाद मुझे रीपेमेंट करना है डॉलर का और मुझे उस दिन कितने डॉलर लगेंगे जितना मैंने आज बोरो किया प्लस इंटरेस्ट इतना मुझे डॉलर लगेगा कितना एटी सिक्स सिक्स फोर्टी फोर जब मुझे ज़ीरो टाइम पे ही पता है कि मुझे छः महीने बाद एटी सिक्स सिक्स फोर्टी फोर डॉलरस लगेंगे यानी मैं बाय करने वाला हूँ तो मैं उस दिन के रेट पे बाय करके बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ उस दिन रेट कुछ भी हो सकता है पचास 55, 56 और वो मुझे महंगा पड़ जाएगा मेरा सारा आर्बिट्राज खराब हो जाएगा अगर सिर्फ डॉलर का रेट बढ़ गया तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ उस दिन जो डॉलर खरीदने वाला हूँ उसको भी मैं आज ही कवर कर लेता हूँ फॉरवर्ड बाय करके मैंने क्या बोला जो मैं उस दिन डॉलर खरीदने वाला था उसको भी मैंने आज ही कवर कर लिया इसको बोलते हैं कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज तो सर अनकवर्ड क्या हो गया बहुत सिंपल है अनकवर्ड का मतलब है सारे ट्रांजेक्शन सेम है सिर्फ आपने ये वाला ट्रांजेक्शन नहीं किया अब आप सोचो कि अगर आपने जीरो पॉइंट पे फॉरवर्ड नहीं खरीदा तो जब छः महीने बाद 86,644 सिक्स सिक्स फोर्टी फोर आपको रीपे करने के लिए खरीदने पड़ेंगे तब आप ये वाला जो रेट है ये स्पॉट रेट पे खरीदोगे अब आप स्पॉट रेट पे छोड़ दो स्पॉट रेट कम रहा तो और भी फायदा बढ़ जाएगा आपका और अगर स्पॉट रेट उस दिन ज्यादा रहा तो आपका फायदा भी नुकसान में बदल जाएगा उसको बोलते अनकवर्ड यानी अनहेजड आपने अब आप किस्मत पे छोड़ दिया अगर ये फॉरवर्ड नहीं लिया तो उसको बोलते अनकवर्ड बाकी सारे ट्रांजेक्शन सेम है और यहां पर जो रेट आएगा वो स्पॉट रेट आएगा और फिर इसका कोई गारंटी नहीं है कि आर्बिट्राज प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा क्योंकि वो सब स्पॉट रेट पर डिपेंड करते हैं अगर आपने फॉरवर्ड नहीं लिया आज ये इस ट्रांजेक्शन के लिए तो वो हो गया आपका अनकवर्ड और लिया है यानी आपने कवर करा है रिस्क को तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि क्या हमने कवर करना चाहिए था कवर करेंगे यानी कि इतने रेट पे डॉलर खरीदेंगे छह महीने बाद अगर हमें लग रहा है कि छः महीने बाद मार्केट में खुद रेट इससे कम होगा यानी हम और सस्ते में डॉलर्स को खरीद सकते हैं और अगर हम और सस्ते में डॉलर्स को खरीद रख सकते हैं तो क्यों कवर करें फिर हम फॉरवर्ड नहीं लेंगे तो पहले पता करो कि छः महीने के बाद का जो रेट हम एस्टिमेट कर रहे हैं वो आ कितना रहा है फोर्टी से अगर ज़्यादा आया तो नुकसान ही है कवर कर लो सर फ़ायदा रहेगा अब आप देखो आपने कैलकुलेशन करे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके और आपने पता लगाया कि उस दिन का रेट जो है फोर्टी एट पॉइंट सेवन नाइन थ्री जीरो आ रहा है सही कह रहा हूँ और हमारा डॉलर का रेट ये था फोर्टी एट पॉइंट एट वन नाइन जीरो फोर्टी एट पॉइंट एट वन नाइन ज़ीरो अब मैं आपको टाइमलाइन में बता रहा हूँ स्पॉट रेट ये तो था फोर्टी एट पॉइंट ज़ीरो वन टू थ्री फॉरवर्ड रेट 48.8190 और यहाँ का स्पॉट रेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 48.7930 अब आप ध्यान देना ये दो रेट है ये वाला एक ये वाला एक अगर कवर करते हो तो इस रेट पे आपको डॉलर खरीदने पड़ेंगे 86,644 और अगर नहीं करते हो तो आप उस दिन के मार्केट रेट पे ही डॉलर खरीदोगे जो कि है 48.7930 अब अगर वो सच में सही निकला तो हमारा कवर करने का जो डिसीजन था वो गलत साबित हो जाएगा क्योंकि हम 48.819 में डॉलर खरीद रहे जबकि वहां पे 79 में ही डॉलर अवेलेबल हो जाएगा हालांकि इतना डिफरेंस नहीं है और ये एस्टिमेटेड फिगर है ये एक्चुअल फिगर है पर मैथमेटिकली अनकवर्ड रहना सही रहता देखो <coughs> ये रहा गेन कितना आता 12356 मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ अगर आप कवर्ड नहीं रहते तो छः महीने बाद डॉलर इस रेट पे खरीदते 48.7930 बस इसी क्वेश्चन में ये जो पार्ट है ना इसको 48.7930 से रिप्लेस कर दो तो क्या आता है 48.7930 तो हमें 86 644 डॉलर खरीदने के लिए फोर्टी रुपीस ही देने पड़ते जो कि और थोड़ा कम हो जाता है फोर्टी टू लैक्स तो अब आप इसमें और इसमें डिफरेंस निकालोगे तो आपका फायदा आएगा 12,379 यानी कि आपने कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्रेज में सिर्फ 10,127 कमाया लेकिन अगर अनकवर्ड रहते तो 12,379 कमाते यहाँ पे कितना आ रहा है इनका ठीक है थोड़ा सा दस टेन फिफ्टीन रुपीज़ का फ़र्क आ रहा है राउंडिंग ऑफ का तो डिसीजन क्या बोलता अनकवर्ड रहो पर मैं आपको अभी भी यही बोलूँगा कि बहुत कम सौ दो सौ रुपये या एक दो हज़ार रुपये के डिफरेंस के लिए ये बहुत रिस्की है और ये ज़ीरो रिस्क के साथ है अब आप बोलो आपको आज से ठीक छः महीने बाद में बिना किसी रिस्क के टेन थाउजेंड का प्रॉफिट चाहिए या रिस्क के साथ ट्वेल्व थाउजेंड का चाहिए आई विल स्टिल गो विद द जीरो रिस्क क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हाँ टेन थाउजेंड का ट्वेंटी हो रहा होता तो शायद मैं रिस्क लेने का सोचता भी आज आंसर क्या दिखाया देखो सिंस द एक्सपेक्टेड गेन इज मोर इन केस ऑफ अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज आर्बिट्रेजर शुड गो फॉर द सेम हाउ एवर द गे स्लाइटली हायर बस दो हजार से ज्यादा है खाली दैन द कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज हेंस ही मे नॉट गो फॉर द अनकवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज एज देर इज ऑल्सो चांसेस ऑफ एक्चुअल स्पॉर्टरेट मे नॉट टर्न आउट फेवरेबल ये रिस्की है ना भाई साहब ये तो बस आज आप अंदाजा लगा रहे हो कि बारह हजार कमा सकता हूँ मैं बोल रहा हूँ फिक्स बताता हूँ दस हज़ार रुपये दूंगा मैं आपको फायदा तो क्या आप अंदाजे वाले बारह हज़ार के फायदे पे जाना पसंद करोगे नहीं है ना तो बस यही है बात आ जाओ अब अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है ये वाला क्वेश्चन भी आप ले लो सर होमवर्क क्या कि होमवर्क देखो इसमें एक रेट है ये तीन परसेंट का रेट है आ, ये प्रीमियम दिया है फॉरवर्ड का तीन परसेंट का उन्होंने खुद ही निकाल दिया हमको तो निकालने की ज़रूरत भी नहीं है डॉलर में डॉलर ही बेस करेंसी है ठीक है तो डॉलर में प्रीमियम कितना आया परसेंट का अब आप देखो एनलाइज इंटरेस्ट रेट अब इंटरेस्ट तो रेट है इंडिया का छः महीने का सही लिखा है मैंने नौ को दो से डिवाइड कर दो अब इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल तो वो आता है टू पॉइंट फाइव परसेंट का फोर पॉइंट फाइव और टू का अब ये वो वाला क्वेश्चन है जहां मैंने बोला कि यार एक्सीड कर गया प्रीमियम पे तो होना चाहिए था लो इंटरेस्ट रेट करेंसी कौन सी है सबसे पहले तो ये पता कर लो लो इंटरेस्ट रेट करेंसी है डॉलर ठीक है और डॉलर 2.5 परसेंट के प्रीमियम पे होना चाहिए था वो कितना निकल गया 3 परसेंट यानी जो प्रीमियम है उसको भी क्रॉस कर गया तो जो उसका फर्स्ट इंप्रेशन है उसका एग्जैक्ट अपोजिट हमें करना है यानी कि लो इंटरेस्ट रेट करेंसी पर अब हम इन्वेस्ट करेंगे तो ही फ़ायदा होगा ये मैं टाइम लाइन बना के दिखाता हूँ आपको वो वाली यह है वो टाइम लाइन ठीक है यहाँ आता है जीरो यहाँ आता है प्रीमियम यहाँ आता है डिस्काउंट ठीक है और यह है वो टू पॉइंट फाइव परसेंट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जितना तो लो इंटरेस्ट रेट करेंसी प्रीमियम पे तो होनी चाहिए थी हमारी ये तो बात ठीक है लेकिन हम क्या बोलते हैं कि लो इंटरेस्ट रेट करेंसी अगर इस फेज में है टू पॉइंट फाइव परसेंट के नीचे प्रीमियम में है या डिस्काउंट में है तो हम उसका फर्स्ट इंप्रेशन फॉलो करते हैं यानी कि बोरो और अगर दूसरे फेज में आ गई तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी करेंसी में हमारे केस में आप देख रहे हो प्रीमियम पे है डॉलर कितने प्रीमियम पे तीन परसेंट के तो थ्री परसेंट तो टू पॉइंट फाइव के बाद ही आएगा ना वो कौन से फेज में आया इन्वेस्टमेंट और ये सारा खेल डॉलर में चल रहा था लो इंटरेस्ट रेट तो डॉलर में इन्वेस्ट करो डॉलर में इन्वेस्ट करो ठीक है इन्वेस्ट करने के लिए आपको डॉलर आज बाय करना पड़ेगा बाय करने के लिए आपको रुपीज़ आज सेल करना पड़ेगा ना भाई रुपीज़ बेचोगे डॉलर खरीदोगे तब तो जाके इन्वेस्टमेंट करोगे और रुपीज़ सेल करने के लिए रुपीज़ आपको बोरो करना पड़ेगा तो पहला रुपी बोरो करो उसे बेच के डॉलर खरीदो और डॉलर इन्वेस्ट करो और साथ साथ में आपको पता है डॉलर इन्वेस्टमेंट करा है छः महीने बाद इंटरेस्ट के साथ डॉलर मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे उसे ले जाके बेचोगे फॉरवर्ड सेल ले लो और छ महीने बाद ये सारे ट्रांजेक्शन को क्लोज कर दो आपका फायदा होगा ये रहा अब इन्होंने बोला है बोरो डॉलर ऐसा नहीं है आपको लग रहा होगा बोरो डॉलर बोला है यहाँ पे गलत है बिल्कुल भी बोरो इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ डॉलर इन इंडिया यानी वो रुपीस बोरो करने के लिए बोल रहा है ठीक है देखना और बताता हूँ मैं फॉरवर्ड रेट तीन परसेंट ऐड करने के बाद चलो अब आप सॉल्व करके देखो इस क्वेश्चन को अपने एंगल से सॉल्व करके देखो मजा आएगा ठीक है क्वेश्चन ने क्या करा है उसने बोला है कि अगर आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी है तो तीन मिलियन डॉलर बोरो करके आप बताओ कैसे हो सकता है अब हमको इतना तो आइडिया आ गया कि डॉलर में बोरो करके फ़ायदा नहीं आ सकता इन्वेस्ट करके ही आ सकता है तो क्वेश्चन ने ये बोल क्वेश्चन को हमने चेंज करा कि तीन मिलियन डॉलर जितना हम रुपीस बोरो कर लेते हैं आज और तीन मिलियन डॉलर तो इससे ही मल्टीप्लाई करोगे ना आज के रेट से तो इतना रुपीस बोरो करो तीन मिलियन इंटू डॉलर उससे डॉलर खरीदो तो तीन मिलियन आ जाएंगे वो इन्वेस्ट करो वो तीन मिलियन डॉलर पे आपको टू परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा दो परसेंट का तो वो तकरीबन तीन मिलियन छः लाख ऐसा कुछ तो हो सकता है हाँ थ्री मिलियन सिक्स लाख होंगे उसको ला के इंडिया में बेच दो इंडिया में बेचोगे तो फॉरवर्ड रेट पे बेचोगे वो आ रहा है सेवेंटी पॉइंट फाइव सिक्स तीन मिलियन या तीन तीन मिलियन जीरो का ही फर्क पड़ जाता है देखो बहुत जगह पे हाँ हाँ तीन मिलियन यानी तीस लाख ठीक है ठीक है तो ये हो गया तीस लाख साठ हज़ार डॉलर बोलो या थ्री पॉइंट ज़ीरो सिक्स मिलियन बोलो सही है ना तो आपको इतना मिलेंगे और इंटरेस्ट के साथ आपको चुकाने कितने पड़ेंगे ये रहा इंटरेस्ट के साथ जो आपको चुकाने रुपीज़ वाला रीपेड इतने चुकाने हैं इतने मिलेंगे आपको फ़ायदा ही दिख रहा है प्रॉपरली लिखोगे तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहले टी एट द रेट ज़ीरो पे करना फिर टी एट द रेट सिक्स मंथ्स पे ठीक है सर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं आ जाओ थर्टी सेवन नंबर मैंने मार्क किया था ना शायद थोड़ा डिफिकल्ट वाला करते हैं तो कवरेज भी होगा हाँ थर्टी सेवन और फोर्टी मार्क करा हुआ है देखो अब थर्टी सेवन तो करते हैं देखो ये वाला क्वेश्चन मैरी इज अ फॉरेक्स डीलर विथ XYZ बैंक उसने नोटिस करा नीचे दी गई इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैनेडियन डॉलर एंड जर्मन डॉइचमार्क मार्क एम एक्सचेंज रेट है आपका कैनेडियन डॉलर पॉइंट सेवन सेवन फाइव पर डॉइचमार्क तो अरे रे 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 ये देखो तो ये डॉइच मार्क हो गया हमारा बेस करेंसी ठीक है डॉइच मार्क का इंटरेस्ट रेट है सात परसेंट का सेवन परसेंट एंड कैनेडियन डॉलर का है नाइन परसेंट ठीक है सर अब देखो अज्यूमिंग दैट देर इज नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट डिटरमाइन डज द इंटरेस्ट रेट पैरिटी होल्ड इन अबाउट कोटेशन अब वो होल्ड करती है ये कैसे डिसाइड होता है जब इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस इनके प्रीमियम या डिस्काउंट से मैच करता है तो अब हम निकाल लेते हैं बेस करेंसी जो है डाउच मार्क उसी में निकाल लेते हैं और इसमें क्लियर दिख रहा है कि बेस करेंसी अगर 75 की 80 हो रही है तो वो प्रीमियम पे है बढ़ रही है तो प्रीमियम पे है, बेस करेंसी ठीक है तो F माइनस एस बाय ठीक है पॉइंट सेवन एट जीरो माइनस पॉइंट सेवन सेवन फाइव बाय पॉइंट सेवन सेवन फाइव इंटू हंड्रेड अगर आप ऐसा करते हो तो तीन महीने का जो प्रीमियम आता है वो है पॉइंट सिक्स फोर फाइव टू परसेंट ठीक है या फिर आप पॉइंट सिक्स फोर फाइव परसेंट भी कर सकते हो क्लोज आपको इसको पर एनम में कन्वर्ट करना है तो इसको फोर से मल्टीप्लाई कर दो तकरीबन टू पॉइंट फाइव एट परसेंट के आसपास आएगा यहाँ दिया है क्या इन्होंने हम्म हम्म साल साल भर का ले लिया ये लो पॉइंट सिक्स फोर फाइव यही सही है ये पॉइंट सिक्स फोर फाइव तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से चलते हैं ठीक है तीन महीने का हमने ले लिया प्रीमियम डॉइच मार्क और अगर आप इंटरेस्ट रेट देखोगे तो पहले तो उसे तीन महीने में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.75 परसेंट 2.25% परसेंट और आप इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस देखोगे तो वो आता है 0.50% परसेंट का यानी कि सबसे पहली बात तो लो इंटरेस्ट रेट करेंसी कौन सी है डॉइचमार्क डॉइचमार्क आपका प्रीमियम पे होना चाहिए था लो इंटरेस्ट रेट है तो प्रीमियम पे होना चाहिए और कितना प्रीमियम पे होना चाहिए जितना मेरा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है और मैं देख रहा हूं उससे ज्यादा प्रीमियम पे है. जब तक उतना प्रीमियम पे नहीं आ जाता तब तक मैं फर्स्ट इंप्रेशन फॉलो कर सकता हूं जो कि है बोरो और उसके बाद उसके बाद अगर आता है तो मैं उसमें एग्जैक्ट अपोजिट करूंगा यानी कि इन्वेस्टमेंट यानी अब आपका निकल गया डॉइश मार्क में आप इन्वेस्ट करोगे कैनेडियन डॉलर बोरो करोगे तो कौन सी करेंसी बोरो करना ये आपका निकल गया ठीक है तो पहली बात तो आप ये बता दो कि दोनों मैच नहीं करते इसलिए आर इंटरेस्ट रेट पैरिटी पैरिटिथेरी होल्ड नहीं करती दूसरी बात अगर हाँ देन एक्सप्लेन करो कि कौन सी स्टेप ज़रूरत है दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक एन आर्बिट्रेज आर्बिट्राज प्रॉफिट अगर मेरी को ऑथराइजेशन है कि वो एक मिलियन कैनेडियन डॉलर के साथ में काम कर सकती है यानी कि एक मिलियन कैनेडियन डॉलर वो अब क्या करेगी बोरो करेगी ऑल्सो डिटरमाइन करो प्रॉफिट दैट वुड बी मेड इन कैनेडियन डॉलर और इग्नोर करो डेसिमल पॉइंट्स से अमाउंट अब कहानी सारी आसान है क्या करना है मैं आपको बता देता हूं जीरो टाइम पे आप सोचो क्या करोगे जस्ट इमेजिन करो जीरो पॉइंट पे कैनेडियन डॉलर एक मिलियन आप बोरो करना लेके आ गए। उसी को बोरो करने के बाद आपने बोरो करा कैनेडियन डॉलर उसी को बोरो करने के बाद आप उसे बेच दो स्पॉट में और क्योंकि ये ये भी कैनेडियन डॉलर है और ये भी कैनेडियन डॉलर है तो ये होगा सर आपका डिवाइड पॉइंट सेवन सेवन फाइव स्पॉट रेट पे तो आपने पॉइंट सेवन सेवन फाइव से डिवाइड कर दिया तो अब आपके पास में आ गए डोइचमार्क डी ई एम वन ट्वेंटी नाइन जीरो थ्री टू थ्री इसे आप कर दोगे सर इन्वेस्ट और अब ले लो फॉरवर्ड बाय नहीं फॉरवर्ड सेल क्योंकि डी है डी आपको इन्वेस्टमेंट के बाद वापस मिलेगा आप बेचना चाहोगे तो आप फॉरवर्ड सेल ही ले लिया अब ठीक छः महीने नहीं तीन महीने बाद आपको ये जो डी है उसमें 2.25 का इंटरेस्ट मिल जाएगा उसे लेके इस पॉइंट के रेट से वापस बेच दोगे तो कैनेडियन डॉलर हाथ में आएंगे वन ज़ीरो टू नाइन ज़ीरो नाइन सिक्स वन ज़ीरो टू नाइन ज़ीरो वन ज़ीरो टू नहीं ये नहीं है मैं एक बार फिर से कैलकुलेट कर ही लेता हूँ ना ये आधा अधूरा करने में थोड़ा चले ही जाता है देखो पहले कैनेडियन डॉलर आपने बोरो करे वन मिलियन उसे आपने बेचा और आपने बाय किया डू मार्क और वो आप और बाय करोगे एक वन मिलियन पॉइंट सेवन सेवन फाइव तो आपको डुइच मार्क मिले वन टू नाइन ज़ीरो थ्री टू थ्री और उसको आपने कर दिया इन्वेस्टमेंट ठीक है और छ महीने बाद आपको वो इंटरेस्ट के साथ वापस मिले डुइच मार्क और डुइच मार्क का रेट कितना है सर 1.75 परसेंट मिलेगा तो 1312903, 1312903 इतना मिलेगा छः महीने बाद अब छः महीने बाद ये सारे डुइच मार्क बेच देना इस रेट पे, फॉरवर्ड रेट पे। तो पॉइंट सेवन एट जीरो के रेट से बेचोगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये है कैनेडियन डॉलर वो है डुइच मार्क तो आपको कैनेडियन डॉलर मिल जाएंगे वो है सर वन ज़ीरो टू फोर ज़ीरो सिक्स फाइव इन्वेस्टमेंट कितना आपने बोरो करा था ना कैनेडियन डॉलर अब आपने बोरो किया था कैनेडियन डॉलर वन मिलियन ठीक है और क्या कैरेट से बोरो करा सर नाइन परसेंट पर एनम तो उस पर टू पॉइंट टू फाइव परसेंट आप चुका दोगे तो वन मिलियन टू पॉइंट टू फाइव परसेंट यानी कि आप जो चुकाओगे वो आ गया आपका वन जीरो टू टू फाइव हंड्रेड अब आप देख लो ये आपके पास बचा हुआ है माइनस वन जीरो टू फोर ज़ीरो सिक्स फ़ाइव नेट में आपके पास जो कैनेडियन डॉलर में फायदा आएगा वो है कैनेडियन डॉलर्स का बस आप प्रोसीजर को इमेजिन करो और एक बार इमेजिनेशन पावर बैठ गया ना यहाँ से बोरो करके लाया स्पॉट पे बेचा दूसरी करेंसी ली उसे इन्वेस्ट करा इन्वेस्टमेंट वापस मिला वापस मिला तो उसे बेच के हमने दूसरी करेंसी खरीदी और उस करेंसी में से रीपेमेंट कर दिया हर ट्रांजेक्शन के बाद में बाय के बाद सेल है मतलब इनफ्लो के बाद में आउटफ्लो है आप देखना क्या होता है मैं कैनेडियन डॉलर बोरो करा तो इनफ्लो उसे सेल करा तो आउटफ्लो उसके बदले दूसरी करेंसी लिया तो इनफ्लो और उसको इन्वेस्ट करा वापस तो आउटफ्लो छः महीने बाद में देखना अभी मैं आउटफ्लो में हूँ वहाँ पे छः महीने बाद में इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा तो इनफ्लो और उसी में से रीपेमेंट मैं वापस कर दूंगा तो आउटफ्लो और अभी भी मेरे जेब में कुछ बचा रहेगा वो है मेरा आर्बिट्राज प्रॉफिट ठीक है सर एग्जैक्टली exactly ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर थर्टी एट भी ऐसा ही है इसमें भी कैनेडियन डॉलर और मार्क की है सात और नौ परसेंट का ही है मोस्टली मैच करेगा ये आपका तो ये आप अपने लेवल पे देख लेना यहाँ पे बस रेट्स थोड़े से डिफरेंट सर डिफरेंट है ठीक है।, है सर इसमें भी देखो वहाँ वन फाइव सिक्स फाइव का फ़ायदा हुआ था कैनेडियन डॉलर वन फाइव सिक्स फाइव का यहाँ टू पॉइंट सिक्स फाइव का और है हज़ार डॉलर ही लिए ना इन्होंने इसी अब ये वाला देख लो ये वाला इंटरेस्टिंग है थर्टी नाइन और आई थिंक लास्ट है ये अब इंटरेस्टिंग क्यों इसमें ई e टू द पावर वगैरह सब यूज़ हो रहा है ना कहाँ आपने अभी तक कंटिन्यूस कंपाउंडिंग देखी नॉर्मल कंपाउंडिंग देखी थी चलो और ज़्यादा कुछ नहीं है एक बार मैं ई e का फॉर्मेट समझा दिया बाकी सब सेम है रिस्क फ्री रेट आपको दिया हुआ है अमेरिका का आठ परसेंट यू का पाँच परसेंट तो लो इंटरेस्ट रेट करेंसी यू हो गई वैसे तो और स्पॉट रेट आपको दिया हुआ है पाउंड पर डॉलर तो डॉलर बेस करेंसी है सर जो कि हाई रेट पे चल रहा है अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखना इसके पहले वाले जो बेस करेंसी है उसका रेट लो था यहाँ उल्टा है तो थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा अज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ऑन डेली बेसिस देन कौन सा ऐसा फॉरवर्ड रेट है दो साल बाद जिसमें अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी आर्बिट्रज की देखो आर्बिट्रज की अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी वो तो आपको आई वाला मॉडल ही बता सकता है और आई का जो फॉर्मूला था वो था वन प्लस आर डी वन प्लस आर एफ इज इक्वल टू एफ बाय एस ठीक है अभी आपको इसमें तो पता नहीं है ना कि कौन सी हमारी कंट्री करेंसी है तो जो रेट दिया है उसको आप डायरेक्ट कोट मान के चलो अगर उसको डायरेक्ट मानते हो तो पाउंड आपका यूके आपकी होम करेंसी बन जाती है और यूएसए होम कंट्री यूएसए आपकी फॉरेन कंट्री बन जाती है तो डॉलर आपका फॉरेन करेंसी हो गया यूएस यूके का पाउंड आपका होम करेंसी हो गया ठीक है ये आ गया लेकिन ये कब अप्लाई होता है ये फॉर्मूला जब नॉर्मल कंपाउंडिंग होती है और कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होती है तब क्या करोगे सर सिंपल है e टू द पावर आर डी डिवाइडेड बाय e टू द पावर आर एफ कितना आसान है है ना इज इक्वल टू एफ बाई एस तो e टू द पावर आर डी आर डी क्या आ रहा है देखो अच्छा ये तो साल भर के रेट हो गए हमें कितने टाइम का चाहिए दो साल का यानी कि दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाँच परसेंट का दो साल का रेट आता है सर दस परसेंट ये हो गया आपका आर डी डोमेस्टिक कंट्री क्योंकि हमने इस कोट को डायरेक्ट माना उस हिसाब से पाउंड हमारी प्राइस करेंसी होम करेंसी बनती है वो यूके हो गया तो दस परसेंट आपका आर डी है दस परसेंट और एट का टू से मल्टीप्लाई करोगे सिक्सटीन परसेंट आता है वो आर एफ बन जाएगा आपका ठीक है तो हम यहाँ पे रखेंगे ई टू द पावर पॉइंट वन जीरो दो साल का रेट है ई टू द पावर पॉइंट वन सिक्स सही लिखा है क्या हम्म हम्म देखने तो एक बार फिर से हाँ सही लिखा है ठीक है इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट पॉइंट सेवन फाइव पाउंड हमेशा एक चीज़ याद रखना पॉइंट सेवन फाइव कौन से कंट्री का है मतलब करेंसी का है पाउंड है और दस परसेंट भी यूके का ही है दोनों का करेंसी जो है पाउंड ही है तो वो सेम है मल्टीप्लीकेशन जो हो रहा है क्रॉस में वो सेम करेंसी में होना चाहिए ठीक है जस्ट अ मेथड टू क्रॉस चेक अच्छा अब देखो e टू द पावर सिक्सटीन पॉइंट वन सिक्स तो दिया है आपको लेकिन ये आपको माइनस में दिया है इसको प्लस में कैसे करते हैं टू दावर जीरो पॉइंट वन कैसे करोगे बहुत सिंपल वन डिवाइडेड बाय इनवर्स कर लो इसका आपने ये चीज डेरिवेटिव्स में सीखी है बहुत सीखा है डेरीवेटिव में तो क्या बताऊं इसको इनवर्स कर लोगे तो वो पॉइंट नाइन जीरो फाइव वन वो आंसर आता है ठीक है तो वन पॉइंट वन जीरो फोर नाइन डिवाइडेड बाय ई टू द पावर पॉइंट वन सिक्स 1.1735 बस खत्म आप सॉल्व करोगे तो इसमें एफ का आंसर आता है पॉइंट सेवन जीरो सिक्स टू रेट कम हो गया क्योंकि हमारी ही कंट्री का रेट जो है वो ज्यादा है तो डेप्रिशिएट होना बनता था फॉरेन करेंसी का यानी डॉलर का आ गया ठीक है यार चलो इतना समझ आया अब देखना फर्दर शो हाउ एन इन्वेस्टर कुड मेक रिस्क लेस प्रॉफिट अगर दो साल का प्रॉफिट अच्छा आ, इन्होंने और तो कुछ दिया नहीं है हाँ ठीक है अगर दो साल का फॉरवर्ड रेट हम ये दे दें वन डॉलर इज इक्वल टू पॉइंट एट फाइव पाउंड रिस्कलेस प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं देखो सीधी सी बात है अगर दो साल का रेट ये होता जो कि हमने आई से निकाला पॉइंट तो प्रॉफिट कमाना पॉसिबल नहीं होता लेकिन आप देख लो डॉलर का रेट पॉइंट के बजाय अगर पॉइंट हो गया तो प्रॉफिट कमाना पॉसिबल है तो लेकिन आप कौन सी करेंसी बोरो करोगे क्वेश्चन ये आता है किस तरह से प्रॉफिट कमाया जा सकता है सेम मेथड अप्लाई करो सर मैं आपको यहाँ पे शांति से बता रहा हूँ क्योंकि इसमें उल्टा है बहुत कुछ स्पॉट फॉरवर्ड दो साल का आर डी आर एफ अब रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री तो दस परसेंट है यह है सिक्सटीन परसेंट दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वह है छः परसेंट का दो साल के लिए ये जो दस और सिक्सटीन ले रहे हैं ये भी दो दो साल का है ना फाइव और एट ठीक है सर फाइव और एट था उसका दो साल का हो गया तो दोनों के बीच का डिफरेंस सिक्स परसेंट का हो गया अब आप देखो पॉइंट सेवन फाइव है हमारा पाउंड पर डॉलर और फॉरवर्ड में हो गया वो पॉइंट एट फाइव पाउंड पर डॉलर अब आप नोटिस करना डॉलर इज़ द बेस करेंसी और डॉलर बढ़ रहा है यानी डॉलर क्या है प्रीमियम पे है जबकि जबकि यहाँ मैं ले रहा हूँ ये डॉलर का रेट है ये पाउंड का रेट है आप देखोगे डॉलर का रेट ज़्यादा है जिसकी करेंसी कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है उसकी करेंसी डिस्काउंट पे होनी चाहिए और ये भाई साहब यहाँ पे प्रीमियम पे है तो ये तो कहानी ख़त्म गई यानी कि हाई इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट ही करोगे अच्छा ये ऐसे नहीं समझ आएगा ठीक है सर आप पहले तो निकाल लो प्रीमियम या डिस्काउंट डॉलर में निकालना है, डॉलर में निकाल लो एफ माइनस एस बाय एस क्योंकि डॉलर इज़ द बेस करेंसी तो पॉइंट एट फाइव माइनस पॉइंट सेवन फाइव डिवाइडेड बाई पॉइंट सेवन फाइव तो दो साल का निकलेगा वो आता है थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट और पॉजिटिव आया इसका मतलब प्रीमियम पे है डॉलर ठीक है जबकि ध्यान देना डॉलर जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट करेंसी है वो छः परसेंट के डिस्काउंट पे होना चाहिए था डिस्काउंट पे होना चाहिए था डॉलर तो क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं नहीं मैच कर रहे मैं इनफैक्ट ये भी बोल रहा हूँ यहाँ छः परसेंट भी लिखा होता ना तो भी दोनों मैच नहीं कर रहे हैं सर क्योंकि ये छः परसेंट जो है वो प्रीमियम पे है और हमें चाहिए डॉलर छः परसेंट डिस्काउंट पे क्यों डिस्काउंट पे चाहिए डॉलर क्योंकि डॉलर का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो आपका जो टाइमलाइन बनेगा अब उस पर थोड़ा ध्यान देना उसी से आप डिसाइड कर पाओगे यह है टाइमलाइन ठीक है यह इधर आता है आपका डिस्काउंट इधर आता है आपका प्रीमियम और यहां आता है जीरो डॉलर के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हाई इंटरेस्ट रेट करेंसी है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी के हिसाब से हाई रेट जिसका होता है उसकी करेंसी डिप्रीशिएट यानी डिस्काउंट पे होनी चाहिए वो भी कितना जितना इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है तो वो डिस्काउंट इधर आएगा छः परसेंट का ठीक है इतना होना चाहिए था अच्छा इसका मतलब क्या होता है ये भी देखो हाई इंटरेस्ट रेट करेंसी में जब तक डिस्काउंट छः परसेंट तक नहीं आ जाता तब तक हम फर्स्ट प्रिफ्रेंस यानी कि उसका फर्स्ट इंप्रेशन फॉलो करते हैं जो कि है इन्वेस्टमेंट का और अगर इसके बियॉन्ड चला गया डिस्काउंट देखो डिस्काउंट तो बियॉन्ड उधर नहीं जाएगा ना अगर मैं बोल रहा हूँ छह परसेंट के बियॉन्ड डिस्काउंट चला गया तो वो डिस्काउंट इधर है डिस्काउंट की साइड ये है तो बियॉन्ड की साइड इधर आ गई अगर चला गया तो हम हाई इंटरेस्ट रेट पे भी अब बोरो करेंगे तो जो भी फेज में होगा वो चीज़ करोगे तो आर्बिट्राज गेन होगा अब आप देख लो डॉलर है प्रीमियम पे थर्टीन यानी डॉलर कहाँ है पता है आपको डॉलर कहीं यहाँ पे है थर्टीन कौन से फेज में इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट वो प्रीमियम पे है वो इन्वेस्टमेंट वाले फेज में है तो डॉलर आप करोगे इन्वेस्टमेंट बोरो करोगे पाउंड आपका निकला क्या फाइनली बोरो पाउंड इन्वेस्ट डॉलर और क्वेश्चन ने एग्जैक्ट अमाउंट तो दी नहीं है कितना क्या बोरो करना है कितना क्या इन्वेस्ट करना है अब आप अपने मन से हजार पाउंड बोरो कर लो ये देखो शुड बोरो पाउंड एंड यूएस डॉलर यानी कि इन्वेस्ट करो उसके बाद शॉर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अच्छा ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ लगे तो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है ये देखो यहाँ करके दिखाते हैं ये वाला पार्ट आर्बिट्राज ट्रांजेक्शन आपने बोरो किया ठीक है क्या बोरो किया सर पाउंड वन थाउजेंड ठीक है वन थाउजेंड बोरो किया फिर आप सेल कर दो पाउंड को सेल करके क्या करोगे डॉलर डॉलर को बाय कर लो और जो करंट रेट चल रहा है वो है पॉइंट सेवन फाइव का वो भी है पाउंड में ये भी है पाउंड में तो आपको डॉलर मिल जाएंगे वन थ्री 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 अब आप इसको इन्वेस्ट कर दो डॉलर को तो आपके डॉलर चले गए ठीक है ये हो गया ज़ीरो कहानी खत्म अब ये सीधा दो साल बाद की बात कर रहे हैं हम ठीक है इन्वेस्टमेंट करा था डॉलर वन थ्री 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 इन टू इंटरेस्ट मिलेगा कंटिन्यूस कंपाउंडिंग से मिलेगा तो सिक्सटीन परसेंट बनता है ना सिक्सटीन परसेंट का कंटिन्यूस कंपाउंडिंग वाला फैक्टर आता है थ्री फाइव तो ये आ गया वन पॉइंट वन सेवन थ्री फाइव तो इतना आपको मिल जाएगा सिक्स फोर पॉइंट टू एट ठीक है अब आप कर दो सेल कर दो ये डॉलर मिला ना आपको वन फाइव सिक्स फोर पॉइंट टू एट क्या रेट से सेल करोगे पॉइंट एट फाइव का जो फॉरवर्ड रेट चल रहा है आपने फॉरवर्ड ले लिया था यहाँ पे कवर्ड था ऐसा मान के चलो मैंने लिखा नहीं है आप यहाँ पे फॉरवर्ड सेल कर दो सेल क्यों क्योंकि जो फॉरवर्ड रेट दिया है उसमें बेस करेंसी डॉलर है और मैं डॉलर बेचना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट मिलने के बाद तो आपको पाउंड मिल जाएंगे वन थ्री टू नाइन पॉइंट सिक्स फोर अब आप रीपेमेंट कर दो जो आपने बोरो किया था पाउंड का कितना बोरो किया था वन थाउजेंड पाउंड बोरो किए थे क्या रेट से बोरो किया था फाइव परसेंट पर एन तो दस परसेंट दो साल का वो हो गया वन पॉइंट वन ज़ीरो फोर नाइन फोर पॉइंट नाइन जीरो टू ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवेंटी फोर पाउंड का आपको फ़ायदा हो गया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हुआ है वैसे तो हज़ार डिवाइडेड बाई पॉइंट सेवन बाय मल्टीपाइड बाई वन पॉइंट वन सेवन थ्री फाइव मल्टीपल बाय पॉइंट एट फाइव वन थ्री टू नाइन पॉइंट नाइन सिक्स यानी कि एक ऑलमोस्ट ये वन थ्री थ्री जीरो आ रहा है ठीक है टू ट्वेंटी फाइव देख लो यहाँ पे भी देख लेते हैं यहाँ पे इन्होंने जो निकाला है इतना ही बोरो करा कराए ये एक तो पागलों जैसे है अच्छा अब बताता हूँ मैंने बोरो करा था वन थाउजेंड पाउंड उस पर टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट वन जीरो का मेरे को फ़ायदा हुआ ठीक है और वो आता है तकरीबन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव ज़ीरो परसेंट का प्रॉफिट ठीक है क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ आपको बता रहा हूँ कि अपना भी आंसर सही है उनका भी सही है क्योंकि उनकी बोरोंग और अपनी बोरोंग में फ़र्क है तो उनको कितना फ़ायदा हुआ पॉइंट वन फोर फोर का किस पे पॉइंट सेवन जीरो सिक्स के बोरोविंग पे तो वो भी तकरीबन आ रहा है ट्वेंटी पॉइंट फोर ज़ीरो परसेंट आस पास सेम ही आ रहा है थोड़ा सा अब ये कैलकुलेशन की वजह से फर्क है बाकी आपकी प्रोसीजर सेम है क्योंकि फ़ायदा अल्टीमेटली आ ही रहा है ना दोनों का अगर कोई भी एक्शन अपना गलत होता तो प्रॉफिट नहीं आता ठीक है सर आगे बढ़ते हैं आपको समझ आया इस क्वेश्चन में क्या था मेन मेन बस यही था कि वन प्लस आर की जगह पे ई टू द पावर रखना है और इस बार क्वेश्चन में क्या था पता है डिस्काउंट चाहिए था और प्रीमियम दिया था और कई बार बच्चे क्या बोलेंगे कि चलो थर्टीन परसेंट जो है बच्चों का कंफ्यूजन और गलती कहाँ होगी यह मैं बता देता हूँ आपको बच्चा बोलेगा अरे सिक्स परसेंट ही चाहिए था थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री है यानी बियॉन्ड है तो जो हाई इंटरेस्ट रेट पर करना चाहिए उसका अपोजिट करो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसका अपोजिट है बॉरो करो तो डॉलर पर बोरो करके बैठ जाओगे आप क्योंकि आपको प्रीमियम सिक्स से ज्यादा दिख रहा है ज्यादा नहीं है सर डिस्काउंट चाहिए था हमको छह परसेंट से उससे तो थर्टीन पॉइंट थ्री थ्री परसेंट का प्रीमियम कम ही है यानी वो साइड में ये साइड में चाहिए था तो कभी भी टाइम से निकालो तो और ज़्यादा आइडिया आ जाता आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है ओके सर क्वेश्चन नंबर थर्टी हमारा खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर फोर्टी लेते हैं ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है मजा आएगा तो एक ब्रेक लेते हैं सर ब्रेक के बाद आता हूँ पाँच मिनट में और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर फोर्टी ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करेंगे सी यू आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर फोर्टी देखते हैं क्वेश्चन ऑन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी क्वेश्चन काफी बड़ा है लेकिन सॉल्व करने में काफी आसान है मतलब फालतू की चीजें बहुत ज्यादा एक कहानी बना के दी हुई है बस वो आपको थोड़ा सा समझ रहे हैं देखो ट्रू ब्लू कॉस्मेटिक्स लिमिटेड एक ओल्ड लाइन प्रोड्यूसर है किसका प्रोड्यूसर है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है मेड अप ऑफ हर्बल्स और उनके जो प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में काफी पॉपुलर है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड बट आर मोर पॉपुलर इन यूरोप इंडिया और यूरोप में ज़्यादा पॉपुलर है कंपनी इन्वाइस करती है इंडियन रुपीस में वैन इट एक्सपोर्ट्स टू गार्ड इट सेल्फ अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट आप समझो क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलर है इनकी कोई डिमांड भी है मोनोपोली पोजिशन भी है तो ये जब भी यूरोप से कोई ऑर्डर आता है तो उनको उनकी करेंसी में नहीं बल्कि बिल अपनी करेंसी में बना के देते हैं यानी कि रुपए में तो इसका मतलब यह हो गया कि जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से नुकसान होने के चांसेस होते हैं वो खत्म हो गए क्योंकि आपने एक स्ट्रैटेजी एक पॉलिसी अपनाया अपना ली अपने ही कंपनी में वो है होम करेंसी इन्वाइसिंग तो सामने वाले कस्टमर को आज भी अगर देना है तो लेट से दस लाख रुपए देना है विल अगर दस लाख का है तो और छः महीने बाद भी देगा तो दस लाख देगा तो एक्सचेंज रेट कुछ भी हो अब वो रिस्क उस पर शिफ्ट हो गया कि उसको यूरो के बदले रुपीज़ खरीदना पड़ेगा हमें तो रुपीस का रुपीस मिल जाएगा तो हम जनरली ये पॉलिसी फॉलो करते थे होम करेंसी इनवॉइसिंग की द बायर नॉर्मली नेवर ऑब्जेक्टेड टू सच इन्वाइसिस हाउवेवर आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं लेकिन अब एक ऑर्डर हमको फ्रांस से आया जिसमें सेलर का यह बोलना है कि 80 लैक्स फ्रेंच फ्रैंक में जो है फ्रेंच फ्रैंक में हमको इन्वाइस चाहिए कंडीशन यह है कि वो तीन महीने में पेमेंट करेगा और इन्वाइस उसको फ्रेंच फ्रैंक में ही चाहिए रुपीज़ में नहीं चाहिए क्योंकि ऑर्डर बड़ा है तो हमने सोचा कि क्या तो पॉलिसी पे अड़े रहें हम अपना ईगो बीच में लाएंगे तो यह सेल्स का ऑर्डर शायद चला जाएगा किसी और के पास में सिंस कंपनी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लूजिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इनवॉइसिंग इन इंडियन रूपी द एक्सपोर्ट मैनेजर ई अब इसका एक्सपोर्ट मैनेजर जो है उसे ई e कहेंगे अप्रोच करता है अपने बैंकर को बैंकर के पास में और इसके अगेंस्ट में वो थोड़ा सा हेल्प मांगता है कि यार पहली बार है हम इन्वाइस फॉरेन करेंसी में बना रहे हैं तो आप हमें बताओ कि क्या एक्सचेंज रेट का नुकसान फायदा हो सकता है क्या उसका उपाय है कैसे हम उसको रिस्क को कम कर सकते हैं अब बैंकर ने नीचे दी गई इंफॉर्मेशन दी कि बैंकर ने बोला देखो आज ना हर फ्रैंक फ्रेंच फ्रैंक के लिए सिक्स रुपीज सिक्सटी पैसा देना पड़ता है आप नब्बे दिन का फॉरवर्ड रोगे नाइन्टी डेज का यानी कि तीन महीने बाद जब वो पेमेंट करेगा आपको एटी लैक्स का तो वो जो फॉरवर्ड रेट है वो सिक्स का मिल रहा है आज जो कि आज के रेट से भी कम है मतलब आगे जाके रुपीस स्ट्रांग होने वाला है फ्रेंच फ्रैंक वीक होने वाला है ठीक है इंटरेस्ट रेट इंडिया में और फ्रांस में नाइन और ट्वेल्व परसेंट का दिया है अब थोड़ा सा ध्यान देना जो फॉरेन करेंसी बेस करेंसी है उसका ही रेट यहाँ पे ज़्यादा है जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था वैसा ही तो यहाँ पे भी हम उल्टा ही बात करेंगे एक्चुअल में होना ये चाहिए होगा ये नहीं होगा भी नहीं क्योंकि रेट आपको यहाँ पर कम दिया हुआ है तो चांसेस है चलो देखते हैं मिस्टर ई e ने क्या करा बैंकर के साथ में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर कर गया अब उसने फॉरवर्ड बेचा की खरीदा बहुत सिंपल सी बात बताता हूं उसने फॉरवर्ड बेचा क्योंकि छ महीने तीन महीने बाद जब फ्रेंच फ्रैंक मिस्टर ई के पास में हमारी कंपनी के पास में आएंगे तो हम क्या करेंगे फ्रेंच फ्रैंक का बेचेंगे फ्रेंच फ्रैंक ही यहां पे बेस करेंसी है तो फॉरवर्ड भी बेचो तो बेच दिया उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 6.5 पॉइंट में मैं हर फ्रेंच फ्रैंक को आपको बेच दूंगा ठीक है ट दी अबउव मैंशन रेट अब जब मैटर ये सारा का सारा मैटर अब हो गया मैटर मैटर हो गया वेन द मैटर कम फॉर कंसिडरेशन कम नहीं होना चाहिए मैटर केम फॉर कंसिडरेशन बिफोर मिस्टर ए जो कि अकाउंट्स मैनेजर है ई फॉर एक्सपोर्ट मैनेजर ए मैनेजर तो वो अकाउंट्स मैनेजर को इतना नॉलेज नहीं था अब वो आया है आपके पास में आप हो मिस्टर सी चार्ट अकाउंटेंट यू एज अ फॉर कंसल्टेंट इज रिक्वायर्ड टू कमेंट वेदर देयर इज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट और नॉट बहुत सिंपल है आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं सबसे पहले तो इसके लिए आपको जो फॉरवर्ड है इसमें प्रीमियम डिस्काउंट निकालो फ्रेंच फ्रेंक बेस करेंसी में, में उठाए तो एफ माइनस एस बाय का फॉर्मूला बनता है फाइव सिक्स पॉइंट फाइव माइनस सिक्स पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स पॉइंट सिक्स अगर आप निकालोगे ऐसे तो पॉइंट वन जीरो डिवाइडेड बाई सिक्स पॉइंट सिक्स तो आता है माइनस वन पॉइंट फाइव वन फाइव वन परसेंट यानी डिस्काउंट में है फ्रेंच फ्रैंक डिस्काउंट में है ठीक है अब आप इंटरेस्ट रेट के बीच में डिफरेंस निकालो तीन महीने का लेना सिर्फ नब्बे दिन का ये सारे रेट साल भर के होते हैं अगर आप नब्बे दिन का लेना चाहते हो नाइन बाय फोर करोगे तो टू पॉइंट टू फाइव आता है और ये आता है थ्री परसेंट ठीक है तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पॉइंट सेवन फाइव परसेंट का होना चाहिए था पॉइंट सेवन फाइव इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी आप ध्यान दो हाई इंटरेस्ट रेट करेंसी कौन सी है फ्रांस की फ्रेंच फ्रैंक ये जो फ्रैंक है ये हाई इंटरेस्ट रेट पे यानी कि ये होना चाहिए था डिस्काउंट पे और आपका ये बात सही निकल गई वो एक्चुअल में डिस्काउंट पे ही है क्योंकि माइनस आ रहा है लेकिन डिस्काउंट का जो अमाउंट है एक्सटेंट है वो सिर्फ पॉइंट सेवन फाइव परसेंट तक डिस्काउंट पे होना चाहिए था ये तो उसके भी बियॉन्ड निकल गया वन पॉइंट फाइव वन फाइव वन अब आप अगर इसको टाइम में देखोगे तो थोड़ा सा आइडिया आएगा यह टाइम ठीक है यह है ज़ीरो प्रीमियम और यह है डिस्काउंट हम हाई इंटरेस्ट रेट वाली करेंसी देख रहे हैं जो कि है ट्वेल्व परसेंट ठीक है तो आ, वो है फ्रांस की फ्रेंच फ्रैंक अब फ्रैंक जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट होने की वजह से आई क्या बोलता है वो डिस्काउंट पे होना चाहिए कितना जितना इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस है यानी कि पॉइंट सेवन फाइव तो वो आता है यहाँ पर बस ये जो फेज़ दिख रहा है आपको जब तक इतना डिस्काउंट नहीं आ जाता तब तक हम फर्स्ट इम्प्रेशन फॉलो करेंगे जो कि आता है हाई इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करने का लेकिन अगर इसके बियॉन्ड आपको डिस्काउंट में मिला फ्रेंच फ्रैंक तो आप हाई इंटरेस्ट रेट होते हुए भी बोरो करोगे तो भी फ़ायदा होगा अब एक्चुअल में देखा जाए तो आपका डिस्काउंट में तो है लेकिन वन वो है यहाँ पर आप बताओ आपका फ्रेंच फ्रैंक ही आपने क्या निकाला किस में प्रीमियम डिस्काउंट निकाला था फ्रेंच फ्रैंक में निकाला था इसलिए फॉर्मूला एफ माइनस एस लिया था तो फ्रेंच फ्रैंक डिस्काउंट में तो है लेकिन जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा तो वो आ गया बोरो वाली कैटेगरी में तो यस सर आपका क्या कहते हैं uh, सबसे पहला आंसर वेदर देर इज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी यस सर आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है अब वो ये नहीं बोल रहा कि करके दिखाओ और ना ही ये सब चीज़ें उसने पूछी कि कौन सी करेंसी बोरो करनी चाहिए कौन सी हमको इन्वेस्ट करनी चाहिए रीजन बींग हमको इस क्वेश्चन में हमारे काम से मतलब है हमने बेचा है डॉलर को हम आर्बिट्राज करने बैठे नहीं हैं बट आर्बिट्राज पॉसिबल है क्यों क्योंकि ये दोनों मैच नहीं कर रहे ठीक है सर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन वेदर द एक्शन टेकन बाय मिस्टर ई इज़ करेक्ट नहीं सर मिस्टर ई e का एक्शन करेक्ट नहीं था उसने जो 6.50 के रेट पे एग्री uh, किया है वो गलत रेट है अगर वो बैंक से एग्री बैंक एग्री हो जाती निगोशिएशन के लिए तो कौन सा फॉरवर्ड रेट होना चाहिए था जिसपे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था बहुत सिंपल है कौन सा होना चाहिए कि रेट। बहुत सिंपल है। आप रेट जो आपका दिया ना सिक्स पॉइंट ना 6.60 उसमें से इतना डिस्काउंट ले लो 0.75 परसेंट का इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का अगर आप इसमें से 0.75 परसेंट माइनस कर देते या फिर 1.0 जीरो क्योंकि पॉइंट सेवन फाइव ना अप्रोक्सीमेट आंसर देगा एग्जैक्ट आंसर तो आपको मिलेगा वन पॉइंट जीरो टू टू फाइव डिवाइडेड बाई वन पॉइंट जीरो थ्री माइनस वन इंटू हंड्रेड पॉइंट सेवन टू एट से मिलेगा एग्जैक्ट आंसर आपको पॉइंट सेवन टू एट परसेंट से मिलता है अच्छा आप पॉइंट सेवन फाइव भी माइनस करते हो तो सिक्स पॉइंट सिक्स माइनस पॉइंट सेवन फाइव परसेंट सिक्स पॉइंट फाइव फाइव के आसपास आंसर आता है वो मैच कर जाता है चलो मैं आपको इसी एंगल से दिखा देता हूँ 6.55 ये आपका फॉरवर्ड रेट होना चाहिए था लेकिन आपने 6.50 में ही हर फ्रैंक को बेच दिया जबकि 6.55 तक आपको पैसा मिल जाता पाँच पैसे भी अगर आपको ज़्यादा मिलते हर फ्रैंक के लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है अस्सी लाख में तकरीबन चालीस फोर्टी के आसपास तो ये कैसे निकालना था बहुत सिंपल है हाई इंटरेस्ट रेट करेंसी फ्रेंच फ्रैंक डिस्काउंट पे होनी चाहिए तो जितना इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है उतना आप स्पॉट में से माइनस कर दो अगर प्रीमियम पे होनी चाहिए होती बेस करेंसी तो हम ऐड कर देते अगर डिस्काउंट पे होनी चाहिए तो हमने माइनस कर दिया सिक्स ये देखो यहां पर भी यही किया हुआ है ये तो पर एन निकाला इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको ये सिक्स ये भी आपका पर एनम है इसलिए ऐसा दिख रहा है आप सीधा सीधा 6.5 6.6 में से 0.75 परसेंट माइनस करो आंसर आ रहा है कि उतना ताम झाम करना है आपका तो ये वो रेट है जिस जिसपे एग्री किया जा सकता था अच्छा क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है एक इंडियन कंपनी है और उसके उसने ये कोड दिए हुए रुपीज़ पर डॉलर के यह है बिड यह है आस्क स्पॉट थ्री मंथ सिक्स मंथ कंपनी को चाहिए सर डॉलर फंड्स वो भी छः महीने के लिए क्या इस्तेमाल है हमको नहीं पता लेकिन डॉलर चाहिए ठीक है अब आपको बताना है कि डॉलर में बोरो करे कंपनी यानी जो चाहिए उसमें या फिर रुपी बोरो करके डॉलर खरीदे अल्टीमेटली उनको डॉलर चाहिए बोरो कौन सी करेंसी करना है आपको अगले पेज पे इंटरेस्ट रेट दिए हुए हैं तीन महीने के रुपी और डॉलर के छः महीने के रुपयी और डॉलर के ठीक है इसके बाद ये दूसरा पार्ट शुरू होता है ये तो हम बाद में देखेंगे हाँ फॉर द पर्पज़ ऑफ़ कैलकुलेशन यू कैन टेक द यूनिट्स ऑफ डॉलर एंड रुपी एज हंड्रेड इच हंड्रेड इच मतलब हंड्रेड डॉलर एंड इक्वालेंट हंड्रेड रुपी ठीक है अब देखो कहानी कितनी आसान है मान लो कि ये ले लो ना यहाँ पर आपको हंड्रेड डॉलर चाहिए और आपने आज हंड्रेड डॉलर बोरो करे ठीक है बोरो किया तो आपको छः महीने में इंटरेस्ट भी तो चुकाना पड़ेगा और इंटरेस्ट का रेट क्या आ रहा है डॉलर का छः महीने में डॉलर का इंटरेस्ट का रेट आ रहा है फाइव पॉइंट फाइव परसेंट फाइव पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू करोगे तो टू पॉइंट सेवन फाइव आता है वन पॉइंट जीरो टू सेवन फाइव से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कितने डॉलर चुकाने हैं यहाँ पे रीपेमेंट कितने डॉलर्स का आ रहा है हंड्रेड एंड टू पॉइंट सेवन फाइव तो छः महीने में हंड्रेड एंड टू पॉइंट सेवन फाइव डॉलर पहले आपको खरीदने पड़ेंगे तब जाके तो आप मार्केट में बैंक को चुकाओगे तो आपको डॉलर खरीदने छः महीने बाद बैंक को डॉलर बेचने हैं ये देखो बैंक को छह महीने बाद डॉलर बेचने का रेट है कितना थर्टी सिक्स पॉइंट फोर जीरो तो आप इसको थर्टी सिक्स पॉइंट फोर जीरो से मल्टीप्लाई करो तो आपका नेट आउटफ्लो जो आ रहा है वो है थ्री थाउजेंड सेवन फोर्टी पॉइंट वन जीरो तो आज हंड्रेड डॉलर के फंड्स उठाने की कीमत है छे महीने बाद थ्री सेवन फोर जीरो पॉइंट वन जीरो आर्बिट्राज नहीं करना है इसमें हमें हमें बस यह बताना है कि हमें बोरो कैसे करना है डॉलर को अब दूसरा ऑप्शन देखो आप एक काम करो आप हंड्रेड डॉलर को लगने वाले रुपीस को बोरो कर लो मतलब इतने रुपए बोरो करो कि उसे बेचकर डॉलर खरीदा जा सके जो भी हमारा पर्पज होगा उसके लिए ठीक है तो डॉलर हमें आज खरीदना है तो बैंक आज बेचेगी आस्क रेट थर्टी सिक्स पॉइंट वन जीरो तो रेट क्या लग रहा है थर्टी सिक्स पॉइंट वन जीरो ठीक है तो हमें कितना पैसा आज लोन लेने की जरूरत है अगर रुपए में बोरोविंग चालू करें हम तो ये रहा आज मैं क्या करूंगा रुपीज बॉरो करूंगा इतने उसको ये रेट पे कन्वर्ट करके सौ डॉलर आ जाएंगे तो मेरे पास देखना दोनों केस में सौ सौ डॉलर तो हो गए लेकिन अब मैंने रुपी बोरो किया है तो अब मुझे रुपी पे इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा और रुपी वाला इंटरेस्ट रेट छह महीने का कितना है 11.5 परसेंट जिसको अगर आप हाफ करोगे तो वो आता है 5.75 परसेंट जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं अब आप इंटरेस्ट ऐड करो यानी आपको छः महीने बाद इसमें कितना चुकाना पड़ेगा थ्री सिक्स वन वन नहीं गलत हो गया थ्री सिक्स वन जीरो प्लस फाइव पॉइंट सेवन फाइव परसेंट आपको छः महीने बाद इसमें जो चुकाना पड़ेगा वो है थ्री एट वन एट पॉइंट फाइव एट थ्री एट वन एट ही ले लो चलो तो एक चीज क्लियर हो गई आपको अब आप बताओ दोनों केस में अगर आप देखोगे तो आपका पर्पस तो सौ डॉलर का फुलफिल हो रहा है जो आपको चाहिए लेकिन इस सौ डॉलर के लिए थ्री सेवन फोर जीरो चुकाना पड़ रहा था अगर डायरेक्ट डॉलर बोरो करते हो तो लेकिन अगर रुपी बॉरो करके फिर डॉलर खरीदते हो तो आपको थ्री एट वन एट के कॉस्ट पड़ती है छह महीने बाद इसलिए फायदेमंद क्या है डायरेक्ट डॉलर बोरो करना ठीक है ये देखो अगर मैं डायरेक्ट डॉलर बोरो करता हूं तो थ्री सेवन फोर जीरो आती है और अगर मैं रुपी बोरो करता हूं और फिर डॉलर में कन्वर्ट करवा के इस्तेमाल करता हूं तो थ्री एट वन एट आती है तो इट्स बेटर टू गो फॉर डॉलर बोरोंग बोरोविंग शुड बी मेड इन डॉलर ये तो क्लियर हो गया अब दूसरा पार्ट देखो कितना मजेदार है ऑल्सो डिटरमाइन वॉट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर थ्री मंथ आज नहीं आज से तीन महीने के लिए पूछ रहे हैं क्या नहीं आज से ठीक तीन महीने बाद क्या इंटरेस्ट रेट होना चाहिए ताकि कंपनी इज इनडिफरेंट बिटवीन थ्री मंथ के इंटरेस्ट रेट और सिक्स मंथ के इंटरेस्ट रेट ये सिक्स मंथ है तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भैया ये जो बाकी के तीन महीने हैं ना इस फेज में इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए ये है आपका फॉरवर्ड रेट निकालने का क्वेश्चन आपको स्पॉट रेट दिया हुआ है तीन महीने में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको स्पॉट रेट सिक्स मंथ्स का भी दिया हुआ है क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आज अगर मैं सौ वो भी किस में रुपीज में बोल रहा है या किस दोनों में निकालना है ठीक है आज अगर मैं कुछ भी इन्वेस्टमेंट करता हूं छह महीने बाद तो लेट से मुझे यहां पे एक्स इंटरेस्ट के साथ एक्स कैश फ्लो मिलती है उतनी ही कैश फ्लो मुझे यहां पे मिले इनडिफरेंस का मतलब ही यही आया ना कि दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए यानी उतनी ही कैश फ्लो इस ऑप्शन में मिलनी चाहिए अगर आपने पहले तीन महीने के लिए इस रेट पे इन्वेस्टमेंट करा और उसके बाद तीन महीने के लिए ये वाले रेट पे इन्वेस्टमेंट करा एफ वाले तो ये क्वेश्चन हो गया ना हमारा फॉरवर्ड रेट एफ वाला इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट वाले चैप्टर में हमने ये चीज देखी थी कैसे निकालना है कि वन प्लस इन f वन प्लस इनसे जो कैश फ्लो आ रहा है शुड बी इक्वल टू वन प्लस एस सिक्स सिंपल ठीक है तो फॉर्मूला क्या बन जाता है हमारा वन प्लस पॉट रेट ऑफ सिक्स मंथ से जो कैश फ्लो आती है शुड बी इक्वल टू तीन महीने से जो आती है मल्टीप्लाइड बाय तीन महीना फॉरवर्ड बस इसमें वैल्यूज़ रखो अभी आप एक काम करना रुपीज़ ले लेना ये वाले पहले और फिर डॉलर ले लेना तो दो रेट आएंगे और हाँ एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें छः महीने का रेट है तो ये जो छः महीने का रुपी वाला रेट है ये आधा हो जाएगा इसकी जगह आप रखोगे फाइव पॉइंट सेवन फाइव और ये जो तीन महीने का रेट है रुपीज़ का वो इसका भी फोर से डिवाइड होके ये हो जाएगा थ्री परसेंट थ्री परसेंट तो यहाँ आएगा 1.03 देखो 1.03 पॉइंट जीरो थ्री इंटू वन प्लस एफ आर फोर सिक्स ये थ्री मंथ सॉरी और ये 1.0575 वैसे ही हमने इसके साथ भी किया डॉलर के साथ भी तीन महीने का डॉलर का रेट था 1.5 परसेंट यानी कि सिक्स को चार से डिवाइड किया तो और उसके बाद डॉलर का छः महीने का रेट था 1.0275 और ये हमने निकाल लिया फॉरवर्ड रेट तो ये वो रेट है और जो रेट निकलेंगे ये तीन महीने के लिए निकल रहे हैं सर इसको चार से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर पर एन निकलेगा रेट सिंपल ये तो वही फार्मूला हो गया है फारे वाला जो हमने इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी में देखा था बस फर्क क्या है इसमें इसमें फ़र्क इंटरेस्ट रेट पैरिटी बोलता हूँ रेट रिस्क मैनेजमेंट में देखा था फ़र्क ये है कि फॉरेक्स के एक क्वेश्चन के साथ में पूछ लिया तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ वी कैन से आर्बिटराज तो नहीं एक तरह से हेजिंग और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट ऑल्सो आप बोल आप ये सोचते हो ना कई बार कि ये वाला चैप्टर सर थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट जा रहा है छोड़ के चले जाता हूँ इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में आधा फॉरिक्स है आधा इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट है सेलेक्टिव स्टडीज करके जाओगे आधे मार्क्स कट जाएंगे सीधे सीधे नवंबर 18 में आठ मार्क्स के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन और उसके बाद मार्च 21 के एम में भी आ चुका है देख लो बाकी छोड़ना है तो चैप्टर कोई भी छोड़ो सर दिक्कत ही दिक्कत है अच्छा क्वेश्चन नंबर 42 हम होमवर्क लेंगे और 43 हम करेंगे यहाँ पे क्योंकि 42 43 सेम है पर 42 जो मैंने होमवर्क दिया ना वो छोटा है आसान है 43 समझ गया तो वो भी समझ जाएगा ये देखो 42 और 43 42 ट्रांजैक्शन एक्सपोजर पे है फोर्टी थ्री ट्रांजेक्शन प्लस इकोनॉमिक दोनों पे है तो मैं यह ले लूंगा यह आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ठीक है सर एक ब्रेक लेते हैं उसके बाद में इस पर आएंगे क्योंकि बस ये दो ही क्वेश्चन है एक्सपोजर पे एक्सपोजर यानी कि रिस्क क्या होता है उस पर उसके बाद एनी रिस्क की हम हैजिंग करना सीखेंगे सर फोर्टी क्वेश्चन ऑनवर्ड से ब्रेक के बाद मिलता हूं तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सपोजर एक्सपोजर फॉरेन एक्सचेंज में अब आप से रिक्वेस्ट है एक कि आप थोड़ा सा चार्ट्स को अपना ओपन कर लीजिए और चार्ट्स में भी फॉरेन एक्सचेंज का जो चार्ट है चार्ट नंबर टेन उसको अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक्सपोजर कवर करा है अब इसके पहले आ जाते हैं यहाँ से शुरू करते हैं देखो बेसिक्स में हमने एक्सचेंज रेट देख लिया बेस करेंसी काउंटर करेंसी यानी कि प्राइस करेंसी देखा बिड आस्क भी देखा कि क्या होता है रिवाइज़ करने के लिए सर इससे बेहतर आपको और कुछ नहीं मिलेगा एंड आस्क देखा ठीक है बिड एंड आस्क के बाद में भी हमने ये देखा कि डायरेक्ट कोट इनडायरेक्ट कोट क्या होता है फिर बिड ऑफ द डायरेक्ट कोट इनवर्स ऑफ आस्क ऑफ इनडायरेक्ट कोट होता है स्पॉट फॉरवर्ड देखा स्प्रेड स्वैप देखा अमेरिकन यूरोपियन देखा इसके बाद में क्रॉस रेट्स और प्रीमियम और डिस्काउंट बेस करेंसी काउंटर करेंसी पिप्स क्या होता है ये तो खैर अभी अच्छा ज़रूरत है नहीं प्राइस इंटरेस्ट पॉइंट अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लो कि आपको एक आइडिया आ जाएगा छोटा सा एक पॉइंट जो चेंज होता है एक्सचेंज रेट में सिक्सटी टू पॉइंट नाइन फाइव का नाइन सिक्स अगर हुआ तो वो जो वन पॉइंट चेंज हुआ उसको पिप्स बोलते हैं मर्चेंट और इंटरबैंक रेट सब में उसमें और ज़्यादा इसका ना इस्तेमाल पूरी तरह से अभी आया नहीं है आगे आएगा आने वाले क्वेश्चन में ब्रोकन पीरियड फॉरवर्ड रेट का एक क्वेश्चन था वो हमने देखा फॉरेक्स में जो थेरी थी उसमें इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी देखा हमने कई बार और डायरेक्ट कोर्ट डायरेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोर्ट के टाइम पे फॉर्मूले में कैसे बदलाव आता है इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंशियल है वो उसके बाद आर्बिट्राज कैसे करना है परचेसिंग पावर पैरिटी थेरी भी इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी जैसा है ये एक पार्ट है जो कि आपका अगले चैप्टर में कवर अप होगा और इसके बाद अगर आप आते हो तो यह है एक्सपोजर इन फॉरेक्स फॉरेक्स में एक्सपोजर का मतलब क्या होता है सर फॉरेक्स में एक्सपोजर का मतलब होता है रिस्क बहुत सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ तीन तरह के रिस्क होते हैं जो फॉरेन एक्सचेंज में आपको देखने मिलेंगे मोस्टली जो रिस्क देखने मिलेगा वो होगा सर ट्रांजेक्शन एक्सपोजर इसके बाद एक आता है ट्रांसलेशन एक्सपोजर और एक आता है सर इकोनॉमिक एक्सपोजर सबसे पहले बात करता हूँ मैं ट्रांजेक्शन एक्सपोजर की तीन कौन कौन से बोला मैंने ट्रांजेक्शन ट्रांसलेशन और इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्सपोजर को आप ऑपरेटिंग एक्सपोजर भी बोल सकते हैं ठीक है अब मान लो कि यहाँ पे आपने एक लाख डॉलर का माल बेचा है किसी को दूसरे देश में और आज ही अगर ये पैसा मिल जाता तो उसको कन्वर्ट करके आज के रेट पे आपके पास पचास लाख रुपए बैंक में आ जाते ठीक है लेकिन आपने इसी कंडीशन पे बेचा है कस्टमर ने कंडीशन डाली थी कि वो पेमेंट छः महीने बाद करेगा अब छः महीने बाद में जब वो एक लाख डॉलर देगा तो आप अपने पास होल्ड तो कर नहीं सकते उस दिन जो भी रेट चल रहा है उस रेट पर आपको बेचना पड़ेगा ठीक है सर अब आप उस रेट पे अगर बेचते हो और उस दिन रेट चला जाता है फ़ोर्टी एट तो आपको कितने रुपए बैंक में मिलेंगे फोर्टी एट लैक्स तो आपका बैठे बैठे एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन की वजह से दो लाख रुपए का नुकसान हो गया ये जो दो लाख रुपए का आपको लॉस हुआ है इसको ही कहते हैं सर ट्रांज़ेक्शन एक्सपोजर ट्रांजेक्शन एक्सपोजर इज़ द प्रॉफिट और लॉस प्रॉफिट भी हो सकता था ये देखो दूसरा दूसरी साइड भी एक बार लिख देता हूँ मान लो हो सकता है आपको जिस दिन एक लाख डॉलर आए उस दिन रेट बढ़ के फिफ्टी थ्री हो गया तो अब आपको उसके कन्वर्ट करने पे फिफ्टी थ्री लैक्स मिलेंगे ठीक है तो आप देख सकते हो आपको इस केस में तीन लाख का फ़ायदा हुआ है और इस केस में दो लाख का नुकसान भी हुआ है मतलब और ये फायदा जो नुकसान हुआ है ये दोनों चीज़ें हैं ये आपने आज से कंपेयर किया कि अगर आज मिलता तो कितना और अब जो मिल रहा है वो कितना तो दो लाख और तीन लाख का दो लाख का नुकसान तीन लाख का फायदा दिख रहा है ये जो दो लाख का नुकसान तीन लाख का फायदे के बाद आप जो बात कर रहे हो इसी को कहते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर तो एक चीज़ कन्फर्म है एक्सपोजर में गेन और लॉस दोनों आ सकता है और अब आज अगर सेटलमेंट हो जाता वो नहीं होते हुए कल जो सेटलमेंट हो रहा है उसके बीच में जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसे ट्रांजेक्शन एक्सपोजर कहते हैं प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू चेंज इन एक्सचेंज रेट बिटवीन द ट्रांजेक्शन डेट एंड सेटलमेंट डेट ये ट्रांजेक्शन डेट है जिस दिन आपने माल बेचा वो सेटलमेंट डेट है इन दोनों तारीख के बीच में जो एक्सचेंज रेट में बदलाव आए उसकी वजह से जो आपको फ़ायदा और नुकसान हुआ उसे ट्रांजेक्शन एक्सपोजर कहते हैं सर ठीक है समझ में आ गया अब आप एक और काम देखो मान लो कि ये डेट थी आपकी जनवरी की ठीक है और जनवरी स्टार्टिंग था फर्स्ट ऑफ जनवरी तो आपका जून में यहाँ छः महीने कंप्लीट होते हैं इसी के बीच में आता है थर्टी फर्स्ट मार्च मानते हो थर्टी फर्स्ट मार्च में कंसोलिडेशन के पर्पज के लिए कई बार आपको क्लोजिंग रेट पे रिसीवेबल्स और पेबल्स एंड लाइबिलिटीज को आपको फॉरेन करेंसी जितने भी असेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है यह आप अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स इन सब में देख चुके हो इससे रिलेटेड कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है राइट right? तो वो ट्रांसलेशन जो करते हो तो उसमें तब आपका आता होगा देखो याद होगा आपको तो चेंजेस प्रॉफिट और लॉस गेन और लॉस ड्यू टू चेंजेस इन द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट तो वो जो ट्रांसलेशन करने की वजह से आपका फायदा अगर नुकसान हुआ तो उसको ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहेंगे सर ट्रांजेक्शन एक्सपोजर तो हम तभी कहेंगे जब ट्रांजेक्शन और सेटलमेंट डेट के बीच में जो गैप है उसकी वजह से फायदा नुकसान जो हुआ अब इस पॉइंट पे थर्टी फर्स्ट मार्च पे अभी भी आपकी ड्यू डेट तो आने की थी आपने अगर यहाँ पे ट्रांसलेशन करा है और उसकी वजह से कुछ फ़ायदा नुकसान हुआ है तो वो आपकी ट्रांसलेशन एक्सपोजर में आएगा ठीक है और ये पार्ट हमारे एस में कवर्ड नहीं है इस पर हार्डली आपको कोई क्वेश्चन आएगा ये आपका अकाउंट्स में कवर होता है सर ठीक है अब इसके बाद एक और चीज <clears throat> मान लो ये जो आपने एक लाख डॉलर का आ, ये करा है आ, इन्वाइस करा था सामने वाली पार्टी को अब सामने वाली पार्टी ने देखा कि चलो ठीक है अगर यही चीज़ आप एक काम करो आप एक ना ऐसा मान के चलो इसको मान लो कि आप इम्पोर्टर हो अब आप एक्सपोर्टर नहीं इम्पोर्टर हो तो आपने एक लाख डॉलर का माल मंगाया आपको उसने फॉरेन करेंसी में इन्वाइसिंग करके दी आज रेट चल रहा था पचास रुपये पर डॉलर आपने हिसाब लगाया कि भैया देखो ये जो सारी मशीन से ये मुझे पचास लाख की पड़ेगी क्योंकि एक लाख डॉलर जो है वो मैं पचास रुपये में खरीद रहा हूँ तो मुझे एक लाख जो है वो पचास लाख रुपये में पड़ेंगे ठीक है तो आपने इसके कैलकुलेशन के हिसाब से और आपका बजट भी पचास लाख का ही था इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपने मान लो किसी चीज़ की सौ क्वांटिटी ऑर्डर कर दी सौ मशीन्स ऑर्डर कर दी ठीक है कर दिया लेकिन मान लो कि आपके जस्ट ऑर्डर करने के पहले ऑर्डर करने के जस्ट पहले एक दिन एक घंटा ऐसे कुछ तो टाइम में आपका ये जो एक्सचेंज रेट है ना ये बदल गया और ये बदल के हो गया लेट से फोर्टी एट फोर्टी एट अब अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, ध्यान देना मेरा बजट था पचास लाख का मैं तो नॉर्मली बेचता ख़रीदता होगा तो मैंने सौ क्वांटिटी ऑर्डर कर दी थी क्या वो क्वांटिटी ख़त्म होने के बाद वापस ऑर्डर करता मैं सही बात है अब मेरा बजट था पचास लाख का रेट था पचास का तो पचास लाख बाय पचास होते हैं एक लाख डॉलर और हर मशीन थी मान लो हज़ार डॉलर की तो हज़ार इंटू कितने हो गए एक लाख हो गए तो देखो एक लाख डॉलर आप खरीद सकते थे आपका बजट इतना ही था और हज़ार डॉलर की एक मशीन थी, थी तो आपने सौ क्वांटिटी ऑर्डर कर दी अब अगर वापस हिसाब लगाओ तो बजट तो रुपए वाला आपका उतना ही है एक्सचेंज रेट के बदलने से रुपए का बजट तो बज बदलेगा नहीं अब अगर आप पचास लाख को फोर्टी एट में से डिवाइड करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार अब मैं ना वन जीरो 10, इतने डॉलर सिक्स सॉरी इतने डॉलर्स खरीद सकता हूँ यानी कि एक्सचेंज रेट गिर जाने की वजह से अब मैं डॉलर ज़्यादा खरीद सकता हूँ अब अगर मैं ज़्यादा डॉलर खरीद सकता हूँ तो उसको वन थाउजेंड से डिवाइड करोगे तो आप ज़्यादा मशीन का ऑर्डर दे सकते हो आपकी टोटल मशीन आती है एक सौ चार यानी चार मशीनस का एक्स्ट्रा ऑर्डर दे सकते हो उतने ही पैसे में तो आपने क्या किया आपने ऑर्डर बढ़ा दिया आपने बोला कि यार एक सौ चार मशीन ऑर्डर कर दो अब आपने क्या करा इन सब की वजह से डिमांड आपकी जो है वो बढ़ गई आपकी डिमांड बढ़ गई कस्टमर ने डिमांड बढ़ा दी अब उस पार्टी के एंगल से देखो तो एक्सचेंज रेट में बदलाव की वजह से उसके बिजनेस पे भी कितना इंपैक्ट पड़ गया क्वांटिटी बदल गई क्वांटिटी बदल गई बढ़ गई उसको तो फायदा हो गया क्योंकि उसकी चार मशीन आप ज्यादा खरीद रहे हो यही रेट अगर बढ़ के फिफ्टी हो जाता तो तब तो पचास लाख में जितने पचास लाख डिवाइडेड बाई फिफ्टी जितने डॉलर आते उतनी ही मशीन आप ऑर्डर करते वो मशीन्स कम हो जाती एक्सचेंज रेट में बदलाव की वजह से उस पार्टी को नुकसान होता क्योंकि आपने क्वांटिटी सौ से कम कर दी बोलने का सीधा सीधा मतलब है कि एक्सचेंज रेट में बदलाव की वजह से डिमांड एंड सप्लाई पे भी फर्क पड़ता है और उस डिमांड एंड सप्लाई से पूरे बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंपनी का और उस बिजनेस उस डिमांड एंड सप्लाई को ध्यान में रखते हुए जो प्रॉफिट लॉस हुआ प्लस ये जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर में दो तीन लाख का जो हुआ ट्रांसलेशन में जो हुआ इन सब लॉस और प्रॉफिट को इकट्ठा करो तो उसको बिजनेस एक्सपोजर या इकोनॉमिक एक्सपोजर कहते हैं ये जो तीसरा एक्सपोजर है आपका एक तो था ट्रांजेक्शन एक्सपोजर जो ट्रांजेक्शन और सेटलमेंट डेट के बीच के फायदे नुकसान की बात करता है ट्रांसलेशन अकाउंट्स में आएगा और एक होता है इकोनॉमिक एक्सपोजर जो कि आपका ओवरऑल इम्पैक्ट देखता है कि चलो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से भी जो फ़ायदा नुकसान हुआ वो भी हम कंसिडर करेंगे तो इकोनॉमिक एक्सपोजर में ट्रांजेक्शन एक्सपोजर इंक्लूडेड होता है वो वाला फ़ायदा नुकसान प्लस इसके अलावा भी जो बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है वो भी हम देखते हैं ठीक है सर अब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आइडिया आएगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है काफ़ी आसान है ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं आइए सर क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री पर ध्यान देते हैं देखो मेसर्स ओमेगा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक्सपोर्ट करती है एयर कंडीशनर टू जर्मनी बाय इंपोर्टिंग ऑल द कंपोनेंट्स फ्रॉम सिंगापुर सिंगापुर से माल लाया इंडिया में यहाँ पे पूरा मैन्युफैक्चर करा असेंबली करा और उसमें जर्मनी में एक्सपोर्ट कर दिया तो समझ रहे हो रॉ मटेरियल आ रहा है उसको इस्तेमाल करके यहाँ पे एसी बन रहा है और यहां से फिर जर्मनी जा रहा है तो हम इंपोर्टर भी है हम एक्सपोर्टर भी है ठीक है कंपनी एक्सपोर्ट करती है 2400 यूनिट unit, 2400 यूनिट्स एट अ प्राइस ऑफ 500 यूरो पर यूनिट कॉस्ट जो है जो हम इम्पोर्ट करते हैं उन कंपोनेंट्स की कॉस्ट है एट सिंगापुर डॉलर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट और अदर वेरिएबल कॉस्ट आर वन थाउजेंड एंड फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज रिस्पेक्टिवली वन थाउजेंड एंड फिफ्टीन हंड्रेड अब थोड़ा सा ध्यान लगाना फिक्स कॉस्ट जनरली पर यूनिट नहीं दी जाती जैसे रेंट हो गया आपका डिप्रिशिएशन हो गया अगर आ, सारा फिक्स कॉस्ट हम ये कंसिडर करते हैं तो ये प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं लगता पर ये टोटल जो लगा होगा उसको नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करा होगा और तब थाउजेंड यानी कि एक्चुअल में जो प्रोडक्शन है हमारा मतलब फिक्स कॉस्ट है हमारा वो है चौबीस लाख का यानी ट्वेंटी फोर लैक्स का ठीक है अब 24 फोर लैक्स का होने का ये मेरा कैलकुलेट करने का पर्पस बता रहा हूं कि अगर कल जाके यूनिट्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं तो ये फिक्स कॉस्ट नहीं बदलती सर तो ये फिक्स कॉस्ट नहीं बदलती ठीक है इसके बारे में बाद में बात करेंगे वेरिएबल कॉस्ट है फिफ्टीन की कैश फ्लोज इन फॉरिन करेंसीज आर ड्यू इन सिक्स मंथ तो फॉरिन करेंसीज में तो दो तरह के कैश फ्लोज है एक तो सिंगापुर डॉलर में हमको पेमेंट करना है क्योंकि हम इंपोर्टर हैं सिंगापुर डॉलर में हमको पेमेंट करना है क्योंकि हम इम्पोर्टर है और एक यूरोज़ जो हमको मिलेंगे छः महीने बाद क्योंकि हम एक्सपोर्टर है हमने यूरोज़ में बेचा है अब आपको देखना रेट्स दिए हुए करंट एक्सचेंज रेट ये है करंट एक्सचेंज रेट और यह है छः महीने के बाद के एक्सचेंज रेट रुपीज़ पर यूरो अगर आप देखोगे तो 51.5055 51.55 फ़ाइव 27.20, 27.25 इस तरह से पढ़ते हैं यहाँ पे सिंगापुर डॉलर और यूरो बेस करेंसी है छः महीने बाद के रेट अब हमें क्या निकालने बोला है कैलकुलेट द लॉस और गेन ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर देखो कितना आसान है आपको निकालना है कि अगर करंट रेट पे ही सब कुछ सेटल हो जाता तो प्रॉफ़िट कितना होता और छः महीने बाद क्योंकि अब सब कुछ सेटल हो रहा है तो प्रॉफिट कितना हो रहा है अगर आज प्रॉफिट दस का है कल आठ रुपये का हो जाता है तो दो रुपये का मैं ट्रांजेक्शन लॉस कहूँगा लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर तो मुझे प्रॉफिट ही तो निकालना है और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस परचेस वाली कॉस्ट मेन तो चलो इसका ना एक फॉर्मेट बना लेते हैं <clears throat> फोर्टी थ्री हम ये लिखेंगे प्रॉफिट एट करंट एक्सचेंज रेट सेल्स माइनस हम इसमें परचेसेस प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ये सब एक साथ ऐड करके फिर माइनस कर देंगे सेल्स में से ठीक है और हम ये क्वांटिटी एक क्वांटिटी पे निकाल सकते हैं और फिर सारी क्वांटिटी पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं क्वांटिटी और ये पर यूनिट हो गया अब अंदर में जितना भी सेल्स परचेज और फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ये सारा पर यूनिट हो गया आप उसको सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस भी बोल सकते हैं अब देखो क्वांटिटी कितनी है सर ट्वेंटी फोर हंड्रेड की सेल्स कैसे निकालोगे जब भी आपको पाँच सौ यूरोज़ आएंगे तब आप उन यूरोज़ को बेचोगे बैंक खरीदेगी <coughs> तो बैंक का ख़रीदने का रेट ये रहा फिफ्टी वन पॉइंट फ़ाइव ज़ीरो तो फिफ़्टी वन पॉइंट फ़ाइव ज़ीरो में आप उनको कन्वर्ट करवा लोगे ठीक है सर तो आपका एक्सचेंज रेट जो लग गया वो है फिफ्टी वन पॉइंट फाइव ज़ीरो गुड अब माइनस परचेज की बात करते हैं ध्यान देना आपको सिंगापुर डॉलर एट हंड्रेड का पेमेंट करना है छ महीने बाद में तो आप सिंगापुर डॉलर खरीदना चाहते हो बैंक बेचना चाहती है ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू फाइव का रेट लगेगा आस्क आस्क रेट लगेगा क्योंकि बैंक बेचना चाहती है ठीक है इसके बाद आपकी फिक्स कॉस्ट थाउजेंड रुपीज पर यूनिट आ रही है और वेरिएबल कॉस्ट फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज़ पर यूनिट आ रही है तो अब हम थोड़ा कैलकुलेशन और कर लेते हैं ट्वेंटी फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड इंटू फिफ्टी वन पॉइंट फाइव जीरो ट्वेंटी फाइव सेवन फाइव जीरो माइनस एट हंड्रेड इंटू ट्वेंटी सेवन पॉइंट टू फाइव प्लस वन थाउजेंड प्लस फिफ्टीन हंड्रेड तो ये हो गया ट्वेंटी फोर थ्री हंड्रेड माइनस सा पच्चीस सात सौ पचास इंटू ट्वेंटी फोर हंड्रेड तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट आज का बनता है वो है थर्टी फोर लाख एटी लाख एटी थाउजेंड थर्टी फोर लाख एटी थाउजेंड का प्रॉफिट बनता है अब आप ध्यान देना ये तो है सर प्रॉफिट एट करंट एक्सचेंज रेट अगर आज सारा पैसा आ जाता तो लेकिन आज आएगा क्या नहीं आएगा कब आएगा सर छः महीने बाद आएगा तो छः महीने बाद का एक्सचेंज रेट ले लो सिर्फ ये दो रेट बदलेंगे बाकी सब कुछ सेम है छः महीने बाद के दो रेट ले लेंगे हम यहां कि जब यूरो आता और हम यूरो बेचते तो बैंक खरीदती 52 पे और सिंगापुर डॉलर का हमको खरीदना पड़ता तो बैंक बेचती 27.75 पे वही भी डास्क ओके सर तो ये हो गया 52.00 27.75। ठीक है ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड आता है इस आंसर ये वाला सेल्स का ट्वेंटी फोर तो ये आ गया थर्टी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड अब थोड़ा अंदाज़ा लगाओ और ध्यान दो कि अगर जीरो पॉइंट पे सब कुछ सेटल हो जाता थर्टी फोर लाख एटी थाउजेंड का प्रॉफिट होता लेकिन अब प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ थर्टी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का अब इससे आपका क्या निकलेगा सर ट्रांजेक्शन एक्सपोजर लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर पहले थर्टी फोर लाख एटी थाउजेंड का प्रॉफिट हो सकता था अब थर्टी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का ही हो रहा है यानी लॉस जो ट्रांजेक्शन एक्सपोजर की वैल्यू आ रही है वो है थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड आया क्या समझ में कितना आसान है अब देखो इस वाले क्वेश्चन में सेल्स भी है परचेसेस भी है इसलिए हमने प्रॉफिट निकाला दोनों डेट का अगर दो सिर्फ सेल्स होता तो यहाँ पे सेल्स से कितना पैसा आता यहाँ कितना आ रहा है दोनों में डिफरेंस निकाल लेते परचेस होता सिर्फ तो हम कितना यहां जाता है कहाँ कितना यहाँ जा रहा है दोनों में डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर ज़्यादा जाता तो नुकसान था तो ये ऐसा कैलकुलेट करते हैं ट्रांजेक्शन एक्सपोजर अब अगला वाला पार्ट देखते हैं सर हम ट्रांजेक्शन और ऑपरेटिंग एक्सपोजर साथ में अब अगले वाले पार्ट में उन्होंने क्या चेंज किया ये ध्यान देना बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द लॉस और गेन ड्यू टू ट्रांजेक्शन एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर फिर से निकालने बोला है ठीक है अगर कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस फॉर द एयर कंडीशनर इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस का मतलब है ये जो पांच सौ यूरो में आप दे रहे थे ना आपने अपना सिस्टम बदल दिया अब आप जर्मनी को ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का इन्वायस बना के दोगे फॉरेन करेंसी में इन्वाइसिंग नहीं करोगे आप शिफ्ट हो गए होम करेंसी इन्वाइसिंग पे <laughs> होम करेंसी इन्वाइसिंग पे शिफ्ट होने का एक फायदा ये होता है कि अब यूरो कितना भी ऊपर नीचे हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यूरो में अब आप डील ही नहीं कर रहे अब सिर्फ एक ही फॉरेन एक्सचेंज का आपको फर्क पड़ रहा है वो है सिंगापुर डॉलर यूरो तो अब आपको ना लेना है ना देना है तो ऐसे में क्या देखो सबसे पहले तो हम ट्रांजेक्शन एक्सपोजर की बात करते हैं ट्रांजेक्शन एक्सपोजर अगर अब अब हमें उसमें ट्वेंटी फाइव रखना पड़ेगा और जो डेटा चेंज हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि करंट एक्सचेंज रेट ये जो स्पॉट के रेट्स है अब ये पुराने वाले भूल जाओ ये वाले भूल जाओ अब वो ये हो गए भूल जाओ का मतलब है लेट्स से फॉर एग्जांपल ये सुबह ग्यारह बजे के होंगे और ये है बारह बजे के मैं एग्जांपल ले रहा हूँ थोड़ा सा फर्क हो गया क्योंकि क्वेश्चन लिखता है करंट एक्सचेंज रेट चेंजेस टू चेंजेस टू इट्स एन इम्पॉर्टेंट वर्ड वो ये नहीं बोल रहा कि उस वो एक्सचेंज रेट अब एग्जिस्ट नहीं करते करते हैं लेकिन अब एक घंटा बीत चुका है या दो घंटे बीत चुके हैं एक दिन ख़त्म हो चुका है जैसा भी थोड़ा बहुत टाइम ले लो और स्पॉट रेट आपके बदल गए अब इन स्पॉट रेट के भरोसे आपको वापस से प्रॉफिट निकालना है दोनों केस में देखो अब ये यूरो का तो आपको फर्क पड़ेगा नहीं जो यूरो वाला है क्योंकि आप तो रुपीज़ में इन्वाइसिंग कर रहे हो ठीक है एक चीज़ क्लियर हो गई दूसरा सिंगापुर डॉलर पहले आप 27.25 ले रहे थे देख रहे हो यहाँ पे अब बस वही बदल के आपको 15 करना है थोड़ा सस्ता पड़ गया ना थोड़ा सस्ता पड़ गया तो प्रॉफिट बढ़ सकता है परंतु नुकसान क्या है आपको मैं ये बताता हूँ आप देखना कि आप एक्चुअल में पहले 25,750 हो रहा था आपका सेलिंग प्राइस अगर 500 यूरो रख रहे थे और उसके बाद जब एक्चुअल में आपने बेचा छः महीने बाद सेटलमेंट हुआ तो 26000 की सेलिंग प्राइस थी कन्वर्ट करने के बाद एक्सचेंज रेट से तो ऐसे टाइम पे होम करेंसी इन्वाइसिंग पे शिफ्ट होना गलत डिसीजन है हजार रुपए पर यूनिट आपका सीधा खत्म हो गया हजार रुपए पर यूनिट 2400 पे आप देखो ढाई लाख रुपए का फर्क पड़ जाता है टू लाख फोर्टी थाउजेंड लाख टू फोर्टी भी नहीं सर ट्वेंटी लाख रुपीज से आपका प्रॉफिट नीचे चला गया हाँ एक फायदा हुआ है कि 27.75 जो है सॉरी ये यह यहां पे स्पॉट रेट में स्पॉट रेट में ये जो टू फाइव आपने लगाया था ना उसके जगह वन फाइव लग जाएगा तो देखो इसमें अब क्या क्या चेंज आ रहा है मैं इसी को उठाता हूँ और क्या माइनस कर रहा हूँ ये आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना ताकि पता चलेगा कि एग्जैक्टली exactly चेंजेस सिर्फ कहाँ आए हैं पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन एक्सपोजर निकालने के लिए काम आने वाला है सर ये बस इसमें हम कुछ कुछ चेंजेस करेंगे ठीक है तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे देखो अब मैं प्रॉफिट एट ये रेड से ही लिखता हूँ ना न्यू करंट एक्सचेंज रेट ठीक है अब इसके बाद में आपका पूरा ये वाला पार्ट है ख़त्म हो गया ये वाला पार्ट है ख़त्म हो गया इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लिखा जाएगा ठीक है इसके बाद में आपका एक्सचेंज रेट भी बदल गया करंट वाला वो हो गया ट्वेंटी सेवन पॉइंट वन फाइव तो ट्वेंटी फ़ोर टू टू ज़ीरो ट्वेंटी फ़ोर टू टू ज़ीरो इसको भी वापस तो अब आपका प्रॉफिट बनता है सिर्फ़ एटीन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड का देखो कितना नीचे आ गया अब इसके बाद आप यहाँ आते हो कि ये करंट रेट नहीं है ये आपका है सिक्स मंथ इसमें भी बदल जाएगा ये मैंने कॉपी पेस्ट करा था इसलिए ऐसा हो गया सिक्स मंथ्स ठीक है तो प्रॉफिट एट सिक्स मंथ्स रेट में क्या बदलेगा सर ये स्पॉट रेट ये वाला रेट तो नहीं बदलेगा ये तो सेम ही है ना आपके जो रेट बदले थे वो करंट एक्सचेंज रेट बदले थे फॉरवर्ड रेट आपके ये छः महीने बाद के सेम थे सिर्फ एक ये है कि इन्वाइसिंग बदल गई तो अब आपका यहाँ आपको ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लेना पड़ेगा तो अब आपका प्रॉफिट रहेगा सिर्फ सेवन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का तो आप क्लियर देख सकते हो कि आपका लॉस कितना बढ़ गया ट्रांजेक्शन एक्सपोजर जो है लॉस ड्यू टू ट्रांजेक्शन एक्सपोजर में आप क्या लिखोगे कि पहले एटीन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड का हो सकता था चेंज से तो कोई सेंस ही नहीं बनता रीजन बिंग आपका पहले वाले इसमें आप क्लियर देख सकते हो ट्वेंटी थाउजेंड से ज्यादा सेलिंग प्राइस थी अब सेलिंग प्राइस कम करना लॉस की तरफ ही जाना हो गया ना अच्छा इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे अब देते हैं। देखना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड इज एस्टिमेटेड टू बन पॉइंट फाइव पेमेंट एंड रिसिप्ट आर टू बी सेटल एट देंड ऑफ सिक्स मंथ्स तो ये वाली कंडीशन तो पहले भी थी थर्ड वाली कि छः महीने के एंड में हम सेटल करेंगे लेकिन ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड है इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है मैं अभी आपको बताता हूँ अब हम ऑपरेटिंग एक्सपोजर पर ध्यान देंगे सर ऑपरेटिंग एक्सपोजर का मतलब है बहुत ही सिंपल सा कि डिमांड सप्लाई में जो ऊपर नीचे हुआ है उसको भी कंसिडर करो भी बोला है मैंने ठीक है उसको ही नहीं उसको भी ठीक है अब देखो क्या होता है बहुत ही शांति से समझना कॉस्ट ऑफ बाइंग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज सर पच्चीस हजार रुपये हम खरीदेंगे क्यों पच्चीस हजार रुपए में तो हमने बेचा है सामने वाले को वो हमें देगा एग्जैक्टली exactly. तो खरीदेगा भी तो वो ही ना वो है जर्मन पार्टी आप सोचो तो सही वो जर्मनी से बिलोंग करता है उसकी होम करेंसी यूरो है आपने अपनी इन्वाइसिंग बदल दी तो आपका रिस्क तो हट गया लेकिन रिस्क शिफ्ट हो गया उसके ऊपर अब उसको अपनी कंट्री में यूरो दे के रुपीस खरीदना पड़ेगा बैंक में तो उसके लिए कॉस्टिंग तो होम करेंसी में ही निकालेगा ना वो वो रुपीस में नहीं निकालेगा वो अपने लिए कॉस्टिंग यूरोज में निकालेगा हम निकाल के देते हैं उसको क्या कॉस्टिंग पहले पड़ रही थी देखो कॉस्ट ऑफ बाइंग ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज एट ओल्ड रेट्स एंड एट न्यू रेट एक घंटे में रेट्स बदल गए थे याद है आपको और एक घंटे में रेट्स बदलने की वजह से कॉस्टिंग में भी फर्क पड़ेगा फिर डिमांड में भी फर्क पड़ेगा तो ये जो उसको पच्चीस हजार रुपए पहले खरीदने पड़ रहे थे ध्यान देना उसको पच्चीस हजार रुपए पहले खरीदने पड़ रहे थे वो कितने में पड़ रहे थे और अब जो नए स्पॉट रेट्स है वो कितने में पड़ रहे हैं अब आप थोड़ा और एक और चीज़ पे गौर फरमाओ वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ खरीदेगा पुराने रेट्स पे तो पुराने रेट्स की तरफ नजर नज़र डालते हैं इन रेट्स में यूरो बेस करेंसी है तो उसके एंगल से बेस करेंसी में वो क्या करेगा बताओ वो यूरो बेचेगा रुपीज़ लेगा और हमको देगा वो यूरो बेचेगा रुपीस लेगा और हमको देगा तो बेस करेंसी वो बेचना चाहता है बैंक खरीदना चाहता है रेट तो यही लगेगा सर फिफ्टी उसको पहले पड़ता था एक यूरो दे उसको इतने रुपए मिलते थे अब एक रुपए देके उसको ज्यादा एक यूरो देके उसको ज्यादा रुपए मिल रहे 51.75 पहले एक यूरो में उसको 51.50 वन मिलते थे अब 575 मिल रहे हैं तो ध्यान देना पहले उसको एक यूरो में 51.50 वन पॉइंट मिलते थे अब 51.75 वन पॉइंट मिलते हैं दोनों रुपीज़ ही है तो मैंने डिवाइड करा अब आप अगर देखोगे तो पहले पच्चीस हजार खरीदने के लिए उसको अपने जेब से 485.44 यूरोस यूरोज देने पड़ते थे लेकिन अब पच्चीस हजार खरीदने के लिए उसको अपनी जेब से फोर एटी थ्री पॉइंट जीरो नाइन रुपीज ही देने पड़ रहे हैं यानी एक तरह से एक एसी की जो कीमत है उसको फोर एटी फाइव टू पॉइंट थ्री फाइव यूरो सस्ती पड़ रही है उसको अब एक एसी इतने यूरो से सस्ता पड़ रहा है प्राइस उसके लिए गिर गई डिक्रीज इन प्राइस अब ये तो आपने निकाल लिया यूरो में मैं बोल रहा हूँ यही चीज आप निकालो परसेंटेज में डिक्रीज इन प्राइस इन परसेंटेज कैसे निकालोगे देखो 2.35 पॉइंट का आपका फायदा हो रहा है अब पहले प्राइस 485.44 गिर रही थी यानी आप अगर ध्यान दोगे तो आपकी टोटल प्राइस एसी की 0.48 परसेंट से गिर गई है प्राइस गिरी तो क्या होता है प्राइस गिरी तो डिमांड बढ़ती है प्राइस बढ़ी तो डिमांड गिरती है यहाँ प्राइस गिरी है अब हम क्या करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी का इस्तेमाल करेंगे सर अब मैं प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब समझाता हूँ <coughs> इसका मतलब होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ना इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है एक परसेंट से प्राइस गिरेगी तो 1.5 परसेंट से डिमांड बढ़ेगी अब हमारा पूरा एक परसेंट से तो प्राइस नहीं गिरी तो जितने से गिरी है उतने से मल्टीप्लाई कर लो देअर फोर इंक्रीज इन डिमांड पॉइंट सेवन टू परसेंट से डिमांड बढ़ जाएगी ठीक है बढ़ जाएगी सर डिमांड चलो मान लिया एग्जिस्टिंग डिमांड कितनी है ये तो बताओ अभी कितनी एग्जिस्ट करती है डिमांड ट्वेंटी फोर हंड्रेड यूनिट्स की तो एडिशनल डिमांड कितनी आ गई आपकी सेवनटीन पॉइंट टू एट यूनिट्स आता है लेकिन ए सी आप पॉइंट में या फ्रैक्शन में नहीं खरीद सकते मैं राउंड ऑफ करके सेवनटीन यूनिट्स लिख रहा हूँ 17.28 नहीं लिख सकते डिमांड तो टोटल कितनी हो गई अब आपकी डिमांड 2417 यूनिट्स ये आपने डिमांड बढ़ा दी इकोनॉमिक एक्सपोजर निकालने के लिए काम आएगी सर ठीक है अब करेंगे क्या अब ऑपरेटिंग एक्सपोजर निकालेंगे सर कैसे निकालेंगे ऑपरेटिंग एक्सपोजर और इसमें क्या बदलाव करेंगे यही था ना कि पच्चीस हजार रुपये में इन्वॉइसिंग करना है बहुत बढ़िया सब कुछ सेम रहेगा सब कुछ सेम रहेगा सिर्फ आप यहां पे क्वांटिटी बदल दोगे क्योंकि छः महीने बाद अब जो एक्चुअल में डेटा आपका बदला है वो है ट्वेंटी फोर सेवनटीन अब आप देखना क्या होता है मैं इसी चीज को वापस से कॉपी कर रहा हूं और नीचे लेके आएंगे करंट एक्सचेंज रेट पे अच्छा इसमें हाँ करंट एक्सचेंज रेट पे 2400 क्वांटिटी ही रखेंगे ठीक है 2400 क्वांटिटी ही रखेंगे पहले जो था और हाँ एक चीज और आपकी इम्पैक्ट डालेगी वो है सर फिक्स कॉस्ट अब मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ रहा क्योंकि पुराने रेट पे पुराने टाइम पे सेटलमेंट होता तो इतना ही होता लेकिन अब अब अगर होगा तो दो चीज़ें बदली एक्सचेंज रेट भी बदले और क्वांटिटी भी बदली हमको ये भी दिखाना है ना कि क्वांटिटी भी बदली तो हमने यहाँ पे कर दिया इसको ट्वेंटी फोर वन सेवन ट्वेंटी फ़ोर वन सेवन ठीक है देखना और क्या क्या होता है इसके अलावा मैं ये हज़ार रुपये जो है वेरिएबल कौ। फिक्स कॉस्ट के ये यहाँ से मैं हटा रहा हूँ अब देखना मैं नहीं थोड़ा सा उसमें बस लिखने में बदलाव करना पड़ेगा आप फिक्स वेरिएबल कॉस्ट ले लो वेरिएबल कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं है तो प्लस फिफ्टीन हंड्रेड लिखा आपने तो ये आ गया ट्वेंटी थ्री सेवन हंड्रेड ठीक है अब आपने जो फिक्स कॉस्ट है उसका थोड़ा ध्यान रखना है फॉर्मूला यहाँ थोड़ा बदल जाता है आके वेरिएबल कॉस्ट हम फिक्स कॉस्ट को अलग से पूरा ले लेते हैं दैट इज़ फिक्स कॉस्ट 24 लाख 24 फोर लैक्स सर सत सेवेंटीन यूनिट्स आपके डिमांड बढ़ने से फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगी आप समझो इस बात को मैं आखिरी में समझाऊंगा 24 फोर ,00 लैक्स ये 24 फोर ,00 लैक्स अच्छा आपका माइनस ही करेंगे ना हम ठीक है माइनस कर देंगे कॉस्ट है माइनस हो जाएगी अब आप देखो प्रॉफिट क्या था सेवन लैख फोर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड देखो अब मैं पहले फिक्स कॉस्ट की बात करता हूँ आप मुझे एक चीज़ बताओ मैंने एक क्लासरूम लिया रेंट पे पचास हज़ार का रेंट है सौ बच्चे बैठते हैं ठीक है तो मैंने उस हिसाब से पाँच सौ रुपये पर बच्चे के हिसाब से रेंट आ रहा है ये मैंने बोल दिया लेकिन अगर उस क्लासरूम में अगली बार दस बच्चे एक्स्ट्रा एडमिशन ले लेते हैं तो 110 को तो मैं बिठा लूंगा कैसे भी क्या 10 बच्चों के लिए मैं बड़ी जगह लूंगा नहीं मैं कोशिश करूँगा कि 110 बच्चे उसी में आ जाए और अगर 110 बच्चे उसी क्लासरूम में मैंने बिठा दिए तो क्या रेंट मेरा बढ़ जाएगा नहीं आपका आप उस उसके अंदर में 200 बच्चे भी फंसा फंसा के बैठा लो सामने वाले को क्या लेना देना जो लैंड रेंट लेने वाला है लैंड लॉर्ड विल टेक द रेंट जो उसका पचास हज़ार है तो फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ता सर 17 यूनिट से तो एटलीस्ट सेवेंटीन यूनिट से हाँ ट्वेंटी फोर हंड्रेड का डबल हो गया डेढ़ गुना हो गया तो ऐसे टाइम पे तो थोड़ा बहुत आपका रेंट मतलब आपकी जगह बदल बदल लोगे आप थोड़ी और कोई जगह ले लोगे तो उस टाइम पर बढ़ने के चांसेस है फिक्स कॉस्ट के बट थोड़ा सा फर्क जो पड़ा उसके वजह से नहीं तो इसलिए हमने ट्वेंटी फोर को बाहर निकाल लिया कि यार ट्वेंटी फोर तो एक्चुअल में फिक्स कॉस्ट थी अब आपका ये आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्सपोजर ये आ गया ऑपरेटिंग एक्सपोजर एटीन लैख सेवेंटी टू थाउजेंड माइनस सेवन लैख फोर्टी टू थाउजेंड वन हंड्रेड तो एलेवन लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड सही है ना ये आपका लॉस हो गया ऑपरेटिंग एक्सपोजर एलेवन लैख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड का डिक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर लॉस ड्यू टू ऑपरेटिंग एक्सपोजर अब इस चीज के ना दो हिस्से हैं मैं आपको बताता हूं ये जो आपको लॉस दिख रहा है ना इसके दो पार्ट है एक है सर ट्रांजेक्शन वाला पार्ट इसके अंदर ट्रांजेक्शन एक्सपोजर इंक्लूडेड है कितने का पता है ये है अलेवन लैक फिफ्टी टू थाउजेंड का जो पहले आपने निकाला था अब आप बोलोगे सर कैसे पॉसिबल है क्योंकि टोटल वैल्यू ही एलेवन ट्वेंटी नाइन है तो उसमें एलेवन फिफ्टी टू का लॉस कैसे इंक्लूड हो सकता है बताता हूँ इसके बाद प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज़ इन डिमांड भी आएगा तो आपको सिर्फ 17 यूनिट्स पे अगर आप प्रॉफिट निकालोगे तो वो पूरा का पूरा आपका फ़ायदा ही हुआ ना एक्सचेंज रेट में बदलाव की वजह से और 17 यूनिट्स पे आप सिर्फ सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट लोगे फिक्स कॉस्ट तो लोगे नहीं तो 25,000 माइनस ट्वेंटी थ्री सेवन हंड्रेड तो वो प्रॉफिट आपका आता है ट्वेंटी टू वन हंड्रेड अब आप इन दोनों के टोटल कर लो लॉस और प्रॉफिट एक दूसरे से माइनस हो जाएगा अगर आप लॉस और प्रॉफिट के टोटल करोगे एलेवन लाख फिफ्टी टू थाउजेंड माइनस ट्वेंटी टू हंड्रेड वन ट्वेंटी टू थाउजेंड वन हंड्रेड तो एग्जैक्ट आता है एलेवन थाउजेंड ट्वेंटी नाइन एलेवन लाख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड वो है ट्रांजेक्शन लॉस अब आपका बाइफर्गेशन जैसे ही मैंने दिया अब आपको आइडिया आ रहा होगा कि एक्जैक्टली क्या हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपोजर में वो पूरा एलेवन लैक फिफ्टी टू थाउजेंड उसके अंदर इंक्लूडेड है उसके अलावा अगर और लॉस हुआ होता तो वैल्यू बढ़ गई होती लेकिन प्रॉफिट हुआ है डिमांड बढ़ने की वजह से प्रॉफिट ने क्या करा लॉस को थोड़ा कम कर दिया इसलिए वो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड दिख रहा है ये फिफ्टी टू थाउजेंड था यह है सर ट्रांजेक्शन और ऑपरेटिंग एक्सपोजर आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा समझ में आया काफ़ी सारी चीज़ें रिपीटेड रिपीटेड ही थी वापस एक बार आपने लिख लिया कि बार 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 आ रहा था सब कुछ ईजी था ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ठीक है सर इसके पहले का क्वेश्चन आप करोगे क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इसमें सिर्फ आपको ट्रांजेक्शन एक्सपोजर निकालना है कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है डिमांड डिमांड या ऑपरेटिंग एक्सपोजर वाला तो पार्टी नहीं है तो फटाक से दो प्रॉफिट लॉन निकालोगे ये देखो ये प्रॉफिट है फिफ्टीन ट्वेंटी वन का ये फिफ्टीन सेवेंटी फोर का ये आ गया आपका इंक्रीज डिक्रीज ठीक है प्रॉफिट बढ़ा है इनफैक्ट इसमें तो फ़ायदा है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री तक हो गया सर अब इसके बाद थोड़ा देखो कि क्या हो रहा है, है हम अपने कॉन्सेप्ट शीट में चलते हैं <coughs> bước vào 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 bước